हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ गई हूँ मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा फेमस कैटेगरी यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड और उसके साथ लिया गया रिवेंज। काफ़ी मज़ेदार ड्रामे के साथ एपिसोड जा पूरा देखना क्योंकि ये कहानी बहुत अमेजिंग है और अंत तक आपको जरूर लाएगा, क्योंकि जब कहानी एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर होता है तो यहाँ पर रोना धोना तो होना ही है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है सायु हमारे ड्रामे की फीमेल लीड होती है और वो काफ़ी अपसेट है क्योंकि अभी फ़िलहाल उसे जॉब से निकाला गया था। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है सायु इस बात के लिए टेंशन में थी क्योंकि उसके बच्ची का मेडिकल बिल और उसके स्कूल के ट्यूशन फीस भी उसे पे करने थे, जो उससे अभी इस मंथ होने वाला बहुत ज़्यादा मुश्किल ही लग रहा था। और उसके बाद वो टीवी में एक न्यूज़ देखती है जहाँ पर ये बताया जा रहा था एसके एंटरटेनमेंट का मालिक हानसेन अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था क्योंकि उसने 6 साल के अंदर ही एक नया कंपनी स्टार्ट करके उसको भी रिसेंटली चाइना का नंबर वन कंपनी बनाया हुआ था। और उसके बाद ये बोला जा रहा था कि इसने बहुत मेहनत की क्योंकि 6 साल में इतना ज़्यादा ऊंचाई हासिल करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। और उसके बाद उसे ये पूछा जा रहा था कि आपकी एक गर्लफ्रेंड ने आपके अगेंस्ट गवाही दी हुई थी, इसी बात की वजह से आपको 6 साल जेल में रहना पड़ा, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या आप आज भी उसको याद करती हो। ये सुनने के बाद हानसेन बोलता है हर किसने, क्योंकि गलतियों को कोई याद नहीं करता, इंसान गलती से सीखता है और मैंने भी उस गलती से बहुत कुछ सीखा हुआ है कि किसी पर भी कभी ट्रस्ट मत करो, ऐसा वो बोलता है। साई के हाथ से उसका सामान गिर जाता है, इससे तो आप लोग समझ ही सकते हो हानसेन जिसके बारे में बात कर रहा था वो कोई और नहीं सायु थी। सायु अपना पास याद करती है जहाँ पर उसकी माँ का मौत हो गया था और उसके बाद उसके पापा और उसकी आंटी उसके साथ होते हैं। उसकी आंटी बोलती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से अभी इसकी मौत हुई है तुम्हारी माँ की, तो अब तुम्हें कोर्ट पे जाके उसके अगेंस्ट गवाही देनी पड़ेगी। सायु इस बात के लिए मना करती है। अब देखो गाइस, इसका डिटेल तो हमें बाद में पता चलेगा। और उसके बाद ये दिखाया जाता है पापा होती है उसके सामने, सायु जाके बोल रही थी हानसेन ने कुछ भी नहीं किया पापा, उसे जाने दो, उसने कुछ भी नहीं किया, तभी पापा बोल रहे थे अब तुम सोचो तुम्हारा डिसेबल भाई या तो वो जेल जाएगा या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड, दोनों में से तुम किसी एक को चूज करो। और शायद इसी बात की वजह से सायु ने अदालत पे जाके ये बोला हुआ था हानसेन की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई और 6 साल बेचारे को जेल पे रहना पड़ा था। और कोर्ट पे गवाह देने के बाद जो सायु थी वो जेल पे मिलने के लिए गई हुई थी हानसेन से, हानसेन उसे देखने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, दोनों बस फ़ोन पे बातें कर रहे थे जिस तरह से कैदी के साथ बातें किया जाता है जो विजिटर होते हैं। और उसके बाद हानसेन उसे बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया मुझे बस ये बताओगी, चाहे उसे बस रोते हुए सॉरी बोलती है। उसके बाद हानसेन बोलता है तुम रो मत, तुम क्यों रो रहे हो, मैंने बस इतना सिखा हुआ है कभी भी अपने औकात से ऊपर वाली लड़की से प्यार नहीं करना चाहिए वरना आपका दिल तो हमेशा टूटेगा, सब बोलते थे मुझे तुमसे प्यार नहीं करना था लेकिन मुझे नहीं पता था तुमसे प्यार करने की कीमत मुझे इस तरह से मिलेगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है आज के बाद अपनी शक्ल में दिखाना, उसके आंखों के सामने सायु और उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज़ को फेंक देता है फाड़ के। और वो बोलता है जिस तरह से ये फ़ोटो दो अलग अलग हो गए इस तरह से आज के बाद तुम्हारे मेरे रास्ते भी अलग है बोल के वो उसे वहाँ से दफा होने के लिए बोलता है। और विजिटर टाइम ख़त्म होने की वजह से अभी हानसेन वहाँ से अंदर चला जाता है। सायु बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है और उसके बाद वो बोलती है मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम पापा बनने वाले हो लेकिन मैं कैसे बताऊँ, मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ दी है तो क्या तुम ये चीज़ सुन पाओगे, ऐसा और सोचती है। और उसके बाद वो बोलते हैं कोई बात नहीं तुम्हारे मेरे प्यार की निशानी है, मेरी बेटी को मैं अकेले बड़ा करूँगी और मैं हमेशा बताऊँगी तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हुआ करते थे बोल के रोने लग जाती है। सीन कट, तो ये था फ्लैशबैक वाला सीन। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब सायु काफ़ी परेशान क्योंकि उसकी बच्ची की मेडिकल फीस पे नहीं हो रहे थे और उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था और अभी स्कूल के फीस और ट्यूशन फी भी तो जमा करने थे। इसी बात की वजह से जो सायु होती है उसको एक इवेंट के लिए बुक किया गया था, एक प्राइवेट पार्टी थी, सायु पैसे से एक सिंगर थी इसीलिए वो वहाँ पर चली जाती है। और उसके बाद वो अपना नाम बताती है, यहाँ पर तो कोई और नहीं हानसेन और उसके 2000 दोस्त थे। तो दरअसल यहाँ पर क्या हुआ था ना, हानसेन अभी
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था काम की वजह से, और इसके दोस्तों को ये पता था कि इसकी कोई तो गर्लफ्रेंड थी, जिस बात की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था, मतलब गर्लफ्रेंड के झूठी गवाही की वजह से। लेकिन ये नहीं पता था कि एग्जैक्ट वो कौन सी वाली गर्लफ्रेंड थी, जिस बात की वजह से उन लोगों से गलती हो गई और उसके पास्ट को ये लोग इस तरह से यहाँ पर लेके आए। और हंसन तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है उसे वहाँ पर देख कर, लेकिन उसे सीधा मुँह देख भी नहीं रहा था क्योंकि वो उसे देखना भी नहीं चाहता था। सारी शौक भी वो बोलती है सॉरी मैं शायद गलत जगह पे आ गई। तभी एक दोस्त बोलता है हंसन का, रुको रुको तुम सिंगर साई हो ना, तो तुम यहाँ पर गाने गाने के लिए हमने बुक किया हुआ है, पैसे ले लिए आप क्या ऐसे ही जाओगी। तभी साई बोलती कि हाँ कोई बात नहीं सर, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं गा लूँगी। और उसके बाद वो अपना गिटार निकालती है और उसके बाद वो गाने गाने लगती है। दो लाइन गाया हुआ गाई हुई थी साई, अभी तभी हंसन को पास याद आता है और उसे बोलता है रुको, और उसके बाद वो बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ। तभी साई बोलती कि नहीं सर मुझे तो यहाँ पर बुक किया गया है ना, तो मैं पैसे वापस नहीं लौटाने वाली, मुझे पूरा काम करना है। ये सुनने के बाद हंसन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है मैंने सही सुना हुआ था तुम जैसी लड़कियों के बारे में, गाना गाने के बदले में अमीर बंदे को फंसाने के लिए आती हो ना। कोई बात नहीं फंसाने के लिए आई हो तो एक काम करो, तुम यहाँ पर ढेर सारा ड्रिंक सब पी लो, मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। यह सुनने के बाद साई बोलती कि कोई बात नहीं सर, अगर आप चाहे ये सब करने वाले हो तो मेरे लिए और अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे इजीली पैसा मिलेगा और आप अपनी बात से मुकरना मत, ऐसा हो बोलती है। और उसके बाद वहाँ पर जितने भी ड्रिंक्स थे सब पीने लग जाती है। और उसके बाद जैसे वो ड्रिंक पी के ख़त्म करती है तो उसके बाद वो उसे बोलती है सर मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। ये सुनने के बाद तो हंसन को बहुत गुस्सा आता है और उसे पैसे हाथ पे देने वाला था, साई पकड़ने वाली थी, और उसके बाद वो सीधा उसके मुंह पे सारे पैसे मारता है, मतलब पूरे पैसे फिल्मी हुए में सारे ज़मीन पे गिर जाते हैं। और उसके बाद साई कुछ भी नहीं बोलती, उसके दोस्तों शौक में आ जाते हैं। उसके दोस्त को कहीं ना कहीं आइडिया तो हो गया था कि कुछ तो गलत किया हुआ है हमने, मतलब अनजाने में उसके पास्ट को ये लोग इसके सामने ले आए। और उसके बाद साई सारे पैसे को उठाने लगती है, तभी जो हंसन था वो उसके सामने वाले पैसे पे पैर रखता है, और तभी साई उस पैर को ऐसे हटाने की ट्राई करती है और बोलती है मुझे मेरे पैसे मेरे काम के पैसे चाहिए सर, तो आप ऐसा तमाशा मत कीजिए। ये सुनने के बाद हंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और एट द एंड तक उसके सारे दोस्तों को ये पता चल जाता है कि साई कोई अर्निंग हुई लड़की थी, जिस बात की वजह से जिसकी वजह से हंसन को जेल जाना पड़ा था। अब इन सारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और इतना कुछ देखने के बाद हंसन को बहुत गुस्सा आ रहा था। साई वहाँ पर अगर गुस्सा आया तो आई एम सॉरी सर, लेकिन मैंने बस इतना ही मांगा है जो मेरे हक पे था, बोल के वो पैसे लेके निकल लेती हैं। और उसके बाद साई को दिखाया जाता है घर पे आके कितनी परेशान थी, वो आप लोग देख ही सकते हो। और उसके बाद दिखाया जाता है साई अपनी बेटी के कमरे में जाती है जहाँ पर उसकी बेटी को बुखार हो रखा था, जिस बात की वजह से उसे अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पर जाना पड़ता है। उसकी बेटी कितनी प्यारी थी ना, नहीं थी। और उसके बाद वो ऐसे ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है और उसको अभी एक्स्ट्रा पैसे लगने वाले थे जो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसके बेटी को कुछ चीज़ें चलते शुरू हो रहा था, बहुत टाइम से बेचारी बीमार थी। और उसके बाद उसकी बेटी के साथ वो बात कर रही थी, सायू अपनी बेटी को बोलती है बेटा आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखा करो, मम्मा को तो काम करना होता है, आपको तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तभी वो बोलते हैं कोई बात नहीं मम्मा, अगर पापा होते तो आपका मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते, आपको इतना काम करना नहीं पड़ता ना। ये सुनने के बाद सायू बहुत इमोशनल हो जाती है। और उसके बाद उसकी बेटी सोचती है मम्मा शायद पापा को मिस कर रही है, लेकिन क्या करे पापा तो डेड हो चुके हैं ना। एक्चुअली सायू ने ये बोला हुआ था कि उसके पापा की मौत हो चुकी है ताकि बेटी ज़्यादा सवाल जवाब ना करे। और उसके बाद वो मन ही मन में सोचती है काश मैं मम्मा की दूसरी शादी करवा पाती तो नए पापा मेरी मम्मा के बहुत अच्छे से ख्याल रखते, क्योंकि मेरा तो कुछ पता नहीं मैं कब मर जाऊँ, ऐसा वो मन ही मन में सोच रही होती है। और उसके बाद साई को एक मैसेज आता है कि वो बुक हो गई है, मतलब वो कहीं इवेंट पे उसे जाना पड़ेगा, एक प्राइवेट पार्टी था। और उसके बाद अपनी बेटी को बोलती है बेटा रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीज़ें लेके आती हूँ यहीं पर रुकना, वो बोलती है कोई बात नहीं मम्मा। और उसके बाद नीनी जब साई वहाँ से निकलती है तो वहाँ पर एक फ़ोटो निकालती है, मतलब एक
एक मैगजीन पे बहुत बड़ा बड़ा फ़ोटो लगा हुआ था जहाँ पर हैंसन का फ़ोटो था, और ये बंदा इतना क्यूट इतना हैंसम था कि अभी वो ऐसी मैगजीन को पलटा रही होती है और वो बोलती है, ए अंकल तो कितने हैंसम है, कितने रीच भी लग रहे हैं, अगर ये मेरे मम्मा के नए पापा बनते, नए हस्बैंड बनते तो मम्मा के लिए बहुत अच्छा रहता, ऐसा वो सोच रही होती है। और उसके बाद वो इधर टहलते टहलते बाहर की तरफ जाती है तो वो देखती है ये तो वही अंकल है जो मैगजीन में थे, मतलब हैंसन वहाँ पर अपनी माँ का ट्रीटमेंट चल रहा था इसलिए आया हुआ था। वो भाग के हस्बैंड के पास जाती है और वो बोलती है, अंकल अंकल यहाँ पर आओ ना, मुझे आपसे बात करनी है। सुनने के बाद हैंसन बोलता है, तुम कौन हो बेटा, और वैसे उसकी आंखों को बहुत प्यार से देखता है और सोचता है ये आंखें क्यों जाने पहचानी लग रही है, उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि ये कोई अपनी है, ऑब्वियसली अपनी तो थी ही। और उसके बाद वो बोलते हैं, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। वो बोलता है, बेटा इस तरह से स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करते, आपको नहीं लगेगा मैं आपको किडनैप करके ले जाऊँगा। ये सुनने के बाद नीनी बोलते हैं, नहीं अंकल आप तो बहुत जेंटलमैन लग रहे हो, आप मुझे हर्ट करोगे क्या, मुझे नहीं लगता, आप बहुत अच्छे हो। ऐसे सुनने की बात उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो ऐसे किसी अनजान बच्चे के साथ इस तरह से बात कर रहा था। और उसके बाद वो बोलता है, हाँ बोलो बेटा क्या काम था तुम्हें मेरे साथ। ये सुनने की बात हो से बोलती है, अंकल आप सिंगल हो क्या। वो बोलता है हाँ। तभी वो बोलती है, तो अंकल मैं आपकी आपको ना किसी स्पेशल से मिलाऊंगी किसी दिन, आप मिलोगे ना। ये सुनने के बाद वो प्यार से बोलता है, हाँ बेटा क्यों नहीं। ये सुनने के बाद जो नीनी थी वो बोलती है, तो एक काम करना अंकल, हमारी सेक्शन मीटिंग के बारे में किसी को बताना मत, वरना अगर किसी को पता चलेगा ना तो प्रॉब्लम होगी। तभी हाँ से बोलता है, प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और ये सुनने के बाद नीनी बोलती है, अंकल आप बहुत हैंडसम हो। ये सुनने का तो उसे बोलता है थैंक यू। और उसके बाद नीनी बोलती है, आप यहाँ पर क्यों आए थे। ये सुनने के बाद जो हैंडसम था वो बोलता है, मुझे अपनी मॉम का इलाज करना था इसलिए मैं आया हुआ था। और उसके बाद वो बोलती है, आपकी जो मम्मा है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे ठीक है ना अंकल, बोल के वहाँ से निकल लेती है। इस कन्वर्सेशन के बाद हैंसन को उस बच्ची पे बहुत प्यार आ रहा था क्योंकि थी उसकी खोड़ना, प्यार क्यों नहीं आता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सायो, वो उस इवेंट के लिए गए हुए थे प्राइवेट इवेंट जहाँ पर उसे अभी रिसेंटली बुक किया गया था। और जब वो वहाँ पर चली जाती है तो उसे पता चलता है दोबारा उसको फिर से हैंसन के फ्रेंड ने बुक किया हुआ था। सो पार्टी में बुक इस बार इसलिए किया गया था क्योंकि जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो इस बार सायु को ह्यूमिलेट करना चाहते हैं, मतलब लास्ट टाइम थे जिन लोगों ने अनजाने में बुक किया हुआ था उनको पता चला कि उसकी दोस्त को इस तरह से आउट करने वाली तो वही लड़की थी। इस बार बोलते हैं चलो अच्छा खासा गाना गाओ, और इसके बाद वो बोलते हैं कोई बात नहीं, और वो गाना गाना स्टार्ट करती है। बेचारा हैंसन, उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी जिस बात की वजह से वो बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग कैरियर कर लो। ये सुनने के बाद उसका एक दोस्त था वो बोलता है कि क्यों तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम तो तुम्हारे लिए पार्टी रख रहे हैं, तुम्हारी कोई पुरानी यादें ताज़ा हो रही है क्या। ये सुनने के बाद हैंसन बोलता है नहीं, इससे याद करने वाली कोई कौन सी बात है, इसके साथ मेरे कोई इतनी खासी यादें थी नहीं, ऐसा वो बोलता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, एक जो एक नंबर का ठरकी था वो बोलता है, अगर ऐसी बात तो क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि ये लड़की काफ़ी खूबसूरत है। वो बोलता है बाहर में जाओ जो करना ही करो। और तभी हमें दिखाया जाता है बेचारी सायु उस बंदे का सर फोड़ के वहाँ से निकल लेती है। तब हमें पता चला जो हैंसन था वो तो अपने घर में जा चुका था, वो सीधा उसकी गाड़ी में घुसती है और वो बोलते हैं मेरी मदद करो। और इनफैक्ट उसका तो किस हो गया था, मतलब गाड़ी में सीधा घुस गई थी तो उसका एक्सीडेंटल केस हो गया था। वो उसे बोलता है तुम्हें पता है ना इस गाड़ी में घुसने का कीमत तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये सुनने के बाद सही उसे बोलते हैं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनने के बाद हैंसन पहले उससे बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ, वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, उसे ऐसे उसकी बहुत करीब थी और वो बोल रही थी मैं यहाँ से नहीं जा सकती, उसकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद हैंसन उससे बोलता है तुम्हारी ये चीप ट्रिक मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली सायु, लेट मी टेल यू, क्योंकि वो जो 6 साल पहले वाला हैंसन जो था वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी लुटाया करता था, लेकिन अब वाला नहीं, क्योंकि जब मैंने तुम पर अपनी जान लुटाई थी तो मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, तो
इंसान एक बार अंधा हो सकता है, इंसान अगर एक बार गलती करे तो उसे गलती बोलेंगे, लेकिन दोबारा गलती करे तो वो गलती नहीं होती, वो गुनाह होता है। और मैं दोबारा वो गुनाह करना नहीं चाहता। तुम्हारी वो बोली शक्ल दिखा के मुझे फंसाओ मत बोल के उसे जाने के लिए बोला था। साहिब बिल्कुल भी नहीं मानती। और उसके बाद क्योंकि बाहर तो वो बंदा उसे ढूंढ रहा होता है, और उसके बाद हंसन उसे बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ से नहीं जा रही हो, ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हें मेरे लिए फिर से एक बार बुक किया हुआ है ना, कोई बात नहीं, आज तुम जिस बात के लिए आई हुई हो वो तुम्हें तो मिल जाएगा, ऐसे भी इन सब चीज़ों की तो तुम्हें आदत होगी ना, ऐसा वो बोलता है। उसे उसी राह घर पर लेके जाता है। सायु की तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है, तो देखते तो ऐसा लग रहा था हंसन उसके साथ मतलब रात गुजारने वाला है, लेकिन ऐसा था नहीं। हंसन जो था उसे सीधा वो बाथरूम में लेके जाता है और उसके बाद उसे पूरी तरह से भिगा देता है, ताकि उसका जो तबीयत खराब होने वाला ड्रामा था, ऐसे तबीयत सच में खराब हुआ था लेकिन वो नॉर्मल हो जाए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शायद थी उसको वो पूरी तरह से भिगा देता है, और उसके बाद वो बेड पे लेके सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है शायु जब अपने आँखें खोलती है, वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था पीना, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और बोल रही थी तुम क्या हंसन को सीरियस करने आई हो, तुम कौन राह चलती लड़की हो या फिर कॉल कर लो, बोल के उसे गालियाँ दे रही थी। और तभी साहिब उसे सॉरी बोलती है, वो बस ये बोलते हैं कि कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी और हंसन मेरी मदद कर रहा था। ये सुनने के बाद पीना को ये चीज़ बिल्कुल यकीन हो नहीं रहा था, क्योंकि इतने सालों में उसने कभी किसी लड़की को अपने घर तक आने दिया ही नहीं, इनफैक्ट हमने आसपास आने नहीं दिया, वही जो लड़की थी जो उसके करीब जाने के लिए मरे जा रही थी उसको भी जाने नहीं दिया, तो इस बात पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। और इनफैक्ट वो तो साहिब को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लग जाती है। साहिब चुपचाप उसकी बातें सुन के सॉरी बोल के वहाँ से निकल लेती है। और उसके बाद पीना ये बोलती है कि कल रात किसी लड़के के साथ हंसन का कुछ हुआ है तो उसके बारे में पता लगाओ, ऐसा हो बोल के अपने सिखरे लोगों को पीछे लगवा देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सायु आप वापस आती है अपने घर, और तभी उसके पापा उसे कॉल कर रहे थे और बोल रहे थे कल ना तुमने क्या किया। दरअसल सायु अब एक बुक तो हुई थी एक बार इवेंट के लिए, और उसने अब वहाँ पर जिसने बुक किया हुआ था उसका सर फोड़ के वो भाग गई थी, तो उसकी वजह से उसके पापा तक इसके ये बात पहुँच गई थी। उसके पापा उसे गालियाँ दे रहे थे और बोल रहे थे चुपचाप घर पर वापस आ जाओ, सायु मना करती है। और उसके बाद पापा बोल थे इसका अंजाम तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तभी सायु बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, और तभी फिर से सायु जो थी वो ऐसे अपना फ़ोन देखती है, उसकी बेटी उसे कॉल करती है, जिस बात की वजह से उसका जो अभी रिसेंट रोंदू वाला शक्ल था उसको सही करके उसे अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉल पर बात करना पड़ता है। सायु अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। सायु की बेटी उसे बोलती है मम्मा आपको किसी से मिलवाना है, और वो बहुत अच्छा है ये सुनने के बाद वो स्माइल करती है। और उसके बाद वो बोल रही थी मम्मा मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ खाने की चीज़ ले आ सकती हो। तभी सायु बोलते हैं हाँ बेटा क्यों नहीं मैं ले आऊँगी, और उसके बाद वो फ़ोन रख लेती है और वो हॉस्पिटल में चली आती है, जहाँ पर वो अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। और ये डॉक्टर फ्रेंड उसका दोस्त है यार, हमारे ड्रामे का सीरियल में लीडर, दोनों की बातें करते हुए देखते तो ओ माय गॉड हंसन का तो दिमाग खराब हो गया। और तभी उसे कॉल आ गया कि जो सायु थी वो पैसे लेके चली गई है, कल जिस लड़की ने तुम्हें परेशान किया था बोल के उसकी फियांसी उसे कॉल कर रही थी। यार उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। सायु जब रास्ते से जा रही थी कोल्ड स्टोर से, तो उसे सीधा स्टोर में लेके जाता है। सायु बोलती कौन है, तभी वो बोलता है क्यों चौंक गई क्या, 6 साल में तुम्हारी नजरें भी थोड़े कमजोर पड़ गए क्या। शायद बोलती है ये क्या बदतमीजी है। तभी हंसन बोलता है क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है ये बदतमीजी है, तुम्हें तो आदत होनी चाहिए ना, मुझे लगा था मुझे छोड़ने के बाद मुझे जेल पे भेजने के बाद तुम ऐसे बड़े बड़े अमीर लोगों को पटा रही हो, अमीर लोगों के साथ बेर शेयर कर रही हो, लेकिन ये क्या एक एवरेज देखने वाला डॉक्टर तुम्हारी इतनी सेटिस्फाई कर पा रहे हैं क्या, जो तुम अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए यहाँ पर आई हो। ये सुनने के बाद सायु से बोलती कि मिस्टर हंसन एक बात बताओ यहाँ पर आए क्यों, तुम जेलस हो इसलिए आए हो या फिर मुझसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे इसलिए आए हो। तभी हंसन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब बकवास करने की। सायु बोलती कि नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैं तो अपना काम कर रही थी। तभी उसे बोलता है
तुम मेरी फियांसी से पैसे कैसे ले सकती हो? ऐसे नहीं कहा तो उसे बोलते कि कुछ नहीं, आपकी फियांसी है, आप मूव ऑन कर चुकी हो और मैं भी मूव ऑन कर चुकी हूँ, तो आई थिंक ना ये अच्छी बात है। और उसके बाद उसके गाल पे ऐसे निशान दिखता है और वो बोलता है उसने तुम्हें मारा क्या? तभी साई बोलती है कुछ नहीं, मिस्टर हैंसन के बेडरूम तक पहुँचने की इतनी तो कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी ना, लेकिन डोंट वरी दोबारा ये सब नहीं होगा। और उसके बाद वो जाने वाली थी तभी हैंसन उसे बोलता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तभी साई बोलते कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद हैंसन बोलता है ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, मेरी लाइफ तुमने पूरी तरह से तबाह कर दिया, तुम अपनी नई आशियाना बना रही थी। साई उसे बोलती है क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बना सकती, मेरा बॉयफ्रेंड है, आपकी भी फियांसी है, मुझे लगता है आपको अपनी फियांसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि मैं तो बस एवरेज दिखने वाली लड़की हूँ। और तभी हैंसन उसे बोलता है तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है तुम नाइट क्लब पर भी जाती हो अपने कस्टमर के साथ। इसलिए कि वह शाही बोलते कि हाँ उसे सब कुछ बताए और वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, एटलीस्ट वो मुझे डोमिनेट तो नहीं करता। और तभी हैंसन को बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी कोई वहाँ पर यानी कि उसकी जो बेटी थी नीनी मम्मा बोलती है और अब वो तो सुन ही नहीं दे सकती थी ना कि मम्मा, और उसके बाद उसे ऐसे किस कर देती है और उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से निकल लेता है। सायु ने आज दोबारा अपनी बेटी को यानी कि उसके बाप से मिलने के लिए रोक लिया था, उसे डर इस बात का था कि अगर उसे उसकी बेटी के बारे में पता चलेगा उस टाइम पे हैंसन उसे उसकी बेटी को लेकर चला जाएगा। अगले दिन में दिखाया जाता है नीनी अपनी मम्मा यानी कि सायु से फोन मांगती है और उसके बाद नीनी जब अपनी मम्मा नहीं थी तो वो ऐसे अभी हैंसन को मैसेज करती है क्योंकि उसने लास्ट टाइम उसके नंबर भी मांगा हुआ था और वो बोला हुआ था कि अपन में हस्बैंड से मिले थे याद है अंकल। इस मैसेज दिखने के बाद ऑटोमेटिकली हैंसन के फेस पे तो प्यारी सी स्माइल आती है और वो सोचता है मेरा इतना ख़राब मूड इस बच्ची के एक मैसेज से इतना फ्रेश हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, ऐसा अपने मन में सोच रहा था। और उसके बाद उसके असिस्टेंट को बोलता है उस डॉक्टर के बारे में सब कुछ पता चला, वो बोलता है हाँ बस। उसके बाद हैंसन बोलता है एक काम करो उसको इस कंट्री के उस जगह पर भेजो जहाँ पर वो कभी किसी से कंटेक्ट कर ही नहीं पाए। तो रिजल्ट ये होता है अचानक से डॉक्टर का तो पोस्टपोन हो गया, मतलब होता है ना कहीं और ट्रांसफर हो गया। और ये सब सुनने के बाद तो सारी शौक में हो जाती है डॉक्टर से मिलने के लिए जो उसका दोस्त हुआ करता था, वो बोलता है मैं अभी यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ। और तभी वो बोलती कि कब आओगे वापस, वो बोलता है मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर शिफ्ट हुआ है वो भी मुझे नहीं पता। और तभी सारी तो शौक में वो बोलती कि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, वो उसे बोलता है तुम क्या मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आओगी, वो बोलती है हाँ कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगी। और उसके बाद जब साई की फ्रेंड आके बोलती कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर का ट्रांसफर हो गया, तभी वो बोलती कि नहीं पता। तभी साई को उसकी फ्रेंड बोलती है या फिर ऐसा हो सकता है कि हैंसन की वजह से, क्योंकि तुमने बोला था ना तुम्हें और डॉक्टर को बात करते हुए हैंसन ने देखा हुआ था, वो बोलते कि कुछ भी वकास मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उसका मेरा कुछ हो नहीं सकता और वो तो मूव ऑन कर चुका है। तभी वो बोलते कि फिर भी मुझे लग रहा है, उसकी दोस्त वो बोलते कि चुप करो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में ये पता चला जो शायु थी उसकी बेटी तो किडनैप हो गई, पता नहीं किसने किडनैप किया। और वीडियो रिकॉर्डिंग में देखने के बाद पता चला उसके जो पापा थे बार बार उसे बुला रहे थे, जब वो जाने से मना कर रही थी उसके पापा उसे उठवा लिए थे, मतलब अपने पोती को, वो अपने घर पे चली जाती है जहाँ पर उसके भाई और भाई मतलब उसके पापा का दूसरा वाला बेटा, और जो पापा थे वो ऐसे उसकी बेटी को रूम पे ला करके बैठे हुए थे। और उसके बाद तो अपनी बेटी को निकाल लेती है और वो हॉस्पिटल के लिए ले जा रही थी तो उसके पापा बोलते हैं अगर तुमने हमारी बातों को नहीं सुना तो दोबारा हो सकता है तुम्हारी बेटी तुमसे बात करने के लिए जिंदा भी ना रहे। बेचारी सारी परेशान हो जाती है। और उसके बाद उसके पापा जो थे वो बोलते तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, साई को कपड़े बदलने के लिए बोला जाता है। दरअसल जो साई के पापा थे उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते थे लेकिन अच्छे इंसान से बिल्कुल भी नहीं, जो बंदा सबसे ज़्यादा राउडी दे रहा था उसके साथ जो एक नंबर का ठरकी था और उसकी ऑलरेडी 4 बीबियाँ थी, तो इसीलिए साई को उससे मिलवाने के लिए लाया जाता है। सायु बिल्कुल भी शादी के मूड में नहीं थी, अभी तो जबरदस्ती यहाँ पर आई हुई थी। इस बात की वजह से सायु उसके मुंह पे बोलती है मुझे शादी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो चुनने के बाद तो पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साई की बेस्ट फ्रेंड इस उम्मीद में हैंसन को कल लगवा देती है हैंसन के असिस्टेंट के थ्रू कि साई की भाई प्रॉब्लम में फंस गई है, आज पक्का वो लोग साई को सेल कर देंगे, प्लीज हेल्प करो। तभी हैंसन बोलता है वो उसकी प्रॉब्लम में हमें क्या,
और उसके बाद वो फोन रख लेता है और उसके बाद हंसेन ऐसे अपने पॉकेट से कुछ फोटोज निकालता है। दरअसल वो जब जेल पे था तो उसने कुछ फोटो ड्रॉ किए हुए थे। वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, मतलब उसके दिमाग दिल हर जगह पे साई छाई हुई थी, तो उसने काफी अच्छी पेंटिंग की हुई थी, मतलब होता है ना पोर्ट्रेट बनाया हुआ था। और वो सब कुछ देख रहा था और वो बोलता है, तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद मुझे लगता है तुम यही सब कुछ डिजर्व करती हो ना सायु, ऐसा वो बोला होता है। और वो रो रहा था, यार ये बंदा रो रहा था, इसका मतलब ये है ना ये आज भी सायु को प्यार करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सायु पूरे स्नोफॉल हो रहा था और ऐसे घुटने में बैठ रही थी, क्योंकि उस रिच मैन को उसने ऐसे ह्यूमिलेट किया जिस बात की वजह से उसके पापा और रिच बंदा दोनों मिलकर सायु को ऐसे बाहर ठंडे में रख रहे थे। और वो 2-3 घंटे इस पर कंटिन्यूसली रह जाती है। और नतीजा ये होता है कि वहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि चलो इसको अब बाहर लेने चले जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर हंसन आ चुका था। हंसन ऐसे अम्ब्रेला लेके आता है और उसके बाद वो बोलता है उठो, सायु उठने की हालत में तो नहीं थी, वो उल्टा बेहोश हो जाती है और उसकी तबीयत बहुत खराब, तो वो अपने घर पर उसे ले आना पड़ता है। और उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं इनको बहुत ज़्यादा बुखार है अभी और टेम्परेचर भी बॉडी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत लो हो रही है, तो मुझे लगता है ह्यूमन हीट इज़ बेटर, मतलब मेडिसिन तो दे रखा है लेकिन हाँ थोड़ा अपना भी काम कर लो वाला डायलॉग दे रहे होते हैं। तो डॉक्टर चले गए और इसके बाद हंसन उस वहाँ से जाने वाला था, साहब उसे जोर से इसे पकड़ती है और बोलते है क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। हंसन उसे बोलता है हर किसने यहाँ से मुझे छोड़ो, उसे पीछे से हक करती है, बोलते है कि प्लीज़ तुम थोड़ी देर यहाँ पर रह लो ना। वो कांप रही होती है बहुत बुरी तरह से और वो बोल रही थी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सुनने के बाद हंसन को तो बहुत गुस्सा आता है, वो बोलता है सायु मुझे छोड़ो मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं हूँ, ऐसे बोल के हाथ को छिड़कने की ट्राई कर रहा था। सायु बिल्कुल नहीं छोड़ती और उसके बाद उससे ऐसे उसके हाथ को छुड़ा के ऐसे उसे बेड पर पुश करता है और वो बोलता है फाइन तुम ये सब कुछ ढूंढ रहे हो ना तो मुझे अब ब्लेम मत करना कल सुबह। और उसके बाद वो एक कैप्सूल ले आता है मुंह पे ऐसे रखता है और उसके बाद वो सीधा सायु को अपने मुंह के थ्रू मतलब खिला देता है। और उसके बाद सायु ऐसे उसे अपने करीब खींचती है और उसके बाद दोनों इस बार इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह वाला सीन फिर से जो हंसन था उसकी फियांसी उसके बेडरूम पे आती है और अब कौन सी फियांसी चाहेगी कि अपने फियांसी के बेडरूम में कोई थर्ड पर्सन हो और वो थर्ड पर्सन कोई अन्य उसके एक्स गर्लफ्रेंड हो, ये देखे तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। और सायु फिर से उसे इस बार ये समझा रही थी जैसा तुम समझ रहे ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इस बार भी कोइंसिडेंटली वो उसके बेडरूम तक कहाँ पहुँची थी। लेकिन अब हंसन की फियांसी इस बात को मानने के लिए थोड़ी देरी होने वाली थी, उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से का वहाँ पर दिखावा भी करती है, मतलब वो बहुत बुरी तरह से साय को ट्रीट करने लगती है जैसे कि वो कोई स्लॉट हो। अब हमें दिखाया जाता है हंसन गाड़ी में था और उसके हाथ पे सिगरेट था तो स्मोक कर रहा था और तभी सायु को वहाँ पर बुलाया जाता है। सायु बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है, हंसन बोलता है हाँ वो कल्लाद के बारे में। कल्लाद की बात सुनने के बाद सायु बोलती है जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था तो उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी फ्रेंड्स है मेरा भी बॉयफ्रेंड है तो हमें मूव ऑन करना ही बेटर रहेगा। ऐसे के बाद हंसन उसे बोलता है नहीं मुझे कुछ और बात करनी है। और उसके बाद वो ऐसे वीडियो दिखाता है जहाँ पर सायु कल रात उसके साथ किस तरह से चिपक रही थी। एक्चुअली साहबजादे ने तो कुछ अच्छे वीडियोज ही बना के रखे हुए थे, सायु उसको छीनने की ट्राई कर रही थी जिसके चक्कर में वो दोनों फिर से एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। और उसके बाद फिर से बोलता है जिस तरह से तुमने बोला कल रात वाला इंसिडेंट एक्सीडेंट है ये भी एक्सीडेंट ही हुआ। तभी सायु बोलते कि हाँ तो अब हम बोल जाना चाहिए तुम क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद जो सायु था उसको हंसन बोलता है दरअसल क्या हुआ था ना तुम्हारा जो बंदा था जिसके साथ मैं तुम्हें बचा के लेके आया था उससे मैंने तुम्हें खरीद दिया 1.5 बिलियन। ये सुनने के बाद सायु शॉक में वो बोलते है तो क्या चाहते हो तुम। ये सुनने के बाद सायु को हंसन बोलता है कुछ नहीं अब तुम इतने लायक हो नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारे वो सब कुछ माफ कर दूं और मुझे अच्छी तरह से बताए तुम्हारा ये सब कुछ ट्रिक है मेरे बेटे तक आने का, जिस तरह से तुमने 6 साल पहले मुझे फंसाया था अपने इनोसेंट को दिखाकर और अभी भी वही कर रही हो, बस तुम चाहती हो कि तुम मेरा
अटेंशन पा लो, और अभी तो मेरे पास अच्छा खासा पैसा है तो तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारी लाइफ अच्छी बन जाएगी, लेकिन ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। साहिब बोलते कि हाँ तो आप क्या चाहते हो बताओ ना मुझे, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास बहुत सारे काम है। तभी हंसिन बोलता है हाँ वो तो होंगे ना, ढेर सारे मैन को मिलने के लिए जाना होगा। साहिब बोलते कि हाँ ज़्यादा बको मत, मुझे बताओ क्या चाहते हो। तभी हंसिन बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर 1.5 बिलियन खर्च कर ही लिया है तो आज के बाद तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। तभी साहिब बोलते कि ओ तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लवर बनूँ, तुम्हारी मिस्ट्रेस बनूँ। तभी हंसिन बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ समझो, क्योंकि तुम जैसी लड़की को मैं हाथ लगाने वाला हूँ नहीं और शादी करने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ तुम मेरी बेट पार्टनर जरूर बनोगी और मेरी सारी जरूरत को पूरा करोगी। साहिब बोलती है अगर मैं तुम्हारी बातों को ना मानूँ तो क्या करोगे। तभी हंसिन बोलता है कुछ नहीं, मैं तुम्हें तुमसे वो सब कुछ पे करवाऊँगा, लेकिन दोगुना कर पाओगी ना। इसी के बाद साहिब बोलता है, ये बोल रही थी मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। हंसिन उसे बोलता है तुमने जो मेरे साथ 6 साल पहले किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे माफ़ करने के लिए स्टेज भी हो, भर किस नहीं 6 साल पहले जो हुआ है अब उसका तो मैं सोच समेत बदला लूँगा ना, और वो आज से स्टार्ट होता है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद साहिब तो शौक में आती है। अब हमें दिखाया जाता है शायद साहिब ने इसकी बातों के लिए ओके बोल दिया। अब सोचो किसके पास होगा 1.5 बिलियन का दुगना जो अब एक सन के सीईओ को पे कर पाए। तो वो गाड़ी से बाहर आती है और तभी उसको कॉल आता है, कॉल पे उसकी बेटी बोले थी मम्मा। अब मम्मा वाला और पापा को थोड़ी सुना सकती है, तो वो ऐसे थोड़ा दूर जाती है और अपनी बेटी से ऐसी बात कर रही होती है। लेकिन हमारे सन के सीईओ यानी कि हंसिन को तो ऐसा लग रहा था कि ये तो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि डॉक्टर से बात कर रहे हैं। उसे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी उसका सर फोड़ दे, मतलब डॉक्टर का ऐसा नहीं कि साहिब का। और तभी जब साहिब वापस आती है तो उसे मुंह पे बोलता है आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी स्लेव हो और मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूँ, इसीलिए मेरे मर्जी की किसी से बात नहीं कर सकती, किसी मैन के साथ जा नहीं सकती। देखो साहिब बोलते कि हाँ हाँ मैंने सुना, इतना भी लेक्चर मत छाड़ो। और उसके बाद साहिब को अपने घर पे लेकर जाता है जहाँ पर एक प्यारी सी बिल्ली थी, और उसके बाद वो उस बिल्ली को पकड़ती है, बोलती कि तुम अभी भी यहीं पर हो। वो बिल्ली तो उसके साथ बहुत इंजॉय कर रहा था, दरअसल ये जो बिल्ली थी 7 साल पहले ये दोनों जब रिलेशनशिप में थे, मतलब जब ये दोनों लवर हुआ करते थे, तो उस टाइम पे साहिब ने इसको गिफ्ट किया हुआ था। जब हंसिन अंदर से बाहर आता है तो साहिब बोलती है ये बिल्ली तुम्हारे पास अभी भी है। तभी हंसिन बोलता है इतनी गंदी शक्ल वाली बिल्ली कौन रखेगा, अब कोई ले नहीं रहा था तो मुझे यहाँ पर मजबूरन पालना पड़ा। ऐसे के बाद साहिब को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे खुल के दिखती है, बोलती है कि नन्ही सी जान के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो। तभी हंसिन बोलता है बकवास बंद करो और साइन करो, जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट था कॉन्ट्रैक्ट पे तीन चार चीजें लिखा हुआ था, तो ये देखो एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ था ये नहीं बताया, लेकिन साहिब पहले तो साइन करने के लिए मना ही कर रही थी। हंसिन बोलता है चुपचाप पैसे पे करो और जाओ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साहिब बोले थी हमें पे कर दूंगी। और साहिब को रोकने के लिए हंसिन ने ये बोला बताया तो मैंने डॉक्टर का जॉब खा जाऊंगा, याद कर लेना। बेचारी साहिब सोचती है मेरे चक्कर में मेरे फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम क्यों हो, उसे अच्छी तरह से पता है हंसिन उसको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। अरे कहीं ना कहीं हंसिन पुराने जो 6 साल पहले जो हरकत हुई है उस बात के लिए बदला भी तो ले रहा था, और इसीलिए उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ता है। और उसके बाद हमें देखा जाता है रात को जो साहिब थी उसको मैसेज आया हुआ था कि डॉक्टर बोल रहा था कल मैं जा रहा हूँ तो एयरपोर्ट पे तो मुझे सी ऑफ करने के लिए आ सकते हो। साहिब बोलते हैं हाँ, तो अब साहिब को उसकी फ्रेंड के साथ वो बात कर रही थी, उसकी फ्रेंड उसे छेड़ रही थी कि क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम्हारा एक्स भी वापस प्रेजेंट वाला भी तुम्हारे साथ है, और ऐसे दोनों हाथ में लड्डू किसके साथ होता है। साहिब बोल रही थी उसका मेरा कुछ भी नहीं, मैं बस तब तक उसके साथ रहूंगी जब तक मैं उसके पैसे पे ना करूँ, ठीक है ना। उसकी दोस्त बोल रही थी हाँ हाँ जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं है, आज भी तुम उसे बुला नहीं पाई हो और अब तो उसके साथ तुम्हारी बेटी है और उसे बोलने बिल्कुल भी नहीं पाओगी तुम। और उसके बाद तभी वो ये बोलती है कि डॉक्टर जाता है उसके साथ वो मिलने जाए, मतलब उसे बाय बोलने के लिए। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है बेचारा क्या होगा बदकिस्मत है ना, वो डॉक्टर उसने इतने सालों से तुम्हें इतने अच्छे तरह से ट्रीट किया, तुम्हारा अच्छा खासा दोस्त था, जब उसका चांस लग ही रहा था तुम्हारे करीब आने का तभी तुम्हारा एक्स आ गया, और तुम्हारा एक्स तो सनकी बन के आया हुआ है और तुम्हारे ऊपर सारा गुस्सा टूट पड़ रहा है, तो बिचेरी तुम क्या ही करोगी, दोनों लड़कों के बीच में तुम तो पिस गई बोल के उसे ऐसे छेड़ रही होती है।
सो हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे साइर अपने डॉक्टर फ्रेम को बाय बोलने के लिए एयरपोर्ट पे जाती है और यहाँ पर दोनों बातें कर रहे थे। इवन उसका जो डॉक्टर फ्रेम था उसे अपने दिल की बात बता देता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम दोनों की लाइफ में वापस आऊँगा, यानी कि उसकी बेटी और माँ के। तो साइर उस हिसाब से बोलती कि मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरे पास अभी मेरी जो आंटी है उनको भी मुझे संभालना होता है और उसके बाद इवन उसकी बेटी भी है, तो उसके मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और उसके ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। उसका डॉक्टर ट्रेन बोल रहा था नहीं नहीं तुम मेरे लिए कभी भी बोझ नहीं थी। और तभी ये सब कुछ तो जो हांसिल की फियांसी थी वो सब कुछ देख रही थी, वो उसका फोटो क्लिक करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब हांसिल अपने ऑफिस पे था और उसके बाद वो कुछ पेपर साइन कर रहा था, उसके असिस्टेंट वहीं पर था। वो बोलता है सायु नहीं आई, तभी वो बोलता है नहीं बस। तभी वो बोलता है आज उसका पहला दिन था काम का और वो आज पहले दिन नहीं आई, कितनी गैर जिम्मेदार है, पता नहीं किसके साथ मुंह काला कर रही है। इस दिन के बाद असिस्टेंट बोलता है नहीं बस मुझे लगता है ट्रैफिक जाम होगा। तभी उसको घूर के देखता है और वो बोलता है कि अच्छा तुम ज़्यादा ट्रैफिक कंट्रोल बन के बैठे हुए हो। तभी बोलता है कि नहीं नहीं मेरा मतलब आ जाएगी ना बस, अब इतने परेशान क्यों हो रहे हो। इस मिनट के बाद हांसन बोलता है उसके आदतें ये सब करने की, मैं उसको अच्छा खासा मजा चखाऊंगा जो उसने मेरे साथ किया हुआ है। तभी असिस्टेंट सोच रहा था अच्छा खासा मजा चखाने के लिए आए, अब देखता हूँ मैं भी कब तक चखा पाएंगे, उनकी आंखों में तो प्यार ही दिख रहा है, ऐसा मन मन में सोच रहा था। तभी हांसन के फोन पे उसकी फियांसी फोटो भेजती है जहाँ पर डॉक्टर और सायु एक दूसरे को गले लगा रहे थे। और ये देखने की बात तो हमारा लेटेस्ट आईफोन मॉडल पूरी तरह से टूटने वाला था, मतलब उस फोन को बहुत जोर से फेंकता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे ये बात पे यकीन होता है कि सायु अपने काम पे आने की वजह से आपने बोल। अब इतना होने के बाद भले ही उसका वो एक्स था लेकिन जलना तो था ही, और होता ये है कि सायु जब वापस आती है तो वो सीधा पहले तो काम की तरफ निकलती है, काम की तरफ मतलब उस वहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट पे जाती है और एक ओल्ड मैन होते हैं, शायद ही बहुत रिच आदमी थे, सायु का जो ओल्ड बिहेवियर वाला बिहेवियर था और कितने मैनर के साथ बात कर रही थी उनको बहुत जम जाता है। सायु जिस तरह से वो प्लॉट के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी वो सब कुछ पता होने की वजह से वो इम्प्रेस हो गए और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी थे। मतलब साई पहले दिन में कंपनी का अच्छा खासा सेल करवाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बोलता है आपको बॉस ने बुलाया हुआ है। सायु ऑलमोस्ट वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था तो उसे तो जाना पड़ता है, वहाँ पर दूसरी लड़की आगे बैठती है बोल के कि मैं देख लूँगी आप जाओ। और उसके बाद सायु अंदर जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो असिस्टेंट था वो तो सायु को अंदर भेज के बाहर आया। तभी जो हांसिल था वो बोलता है तुम्हें इतनी ज़्यादा लेट क्यों हुई आने में, तुम्हारा फर्स्ट डे था, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च रहा हूँ तो पैसे ऐसे जमीन पे उगते ही क्या। तभी सही बोलते कुछ नहीं मेरी आंखें ज़्यादा लग गई थी, मुझे ज़्यादा नींद आ गई तो मैं सो गई। ये सुनने के बाद सायु को बोलता है लेकिन मैंने देखा था तुम्हारे जैसे दिखने वाली लड़की एक बंदे के साथ एक घटिया से डॉक्टर के साथ गले मिल रही थी एयरपोर्ट में। ये सुनने के बाद सायु बोलते कि ओ तो तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पर गई थी, तुम मेरे पीछे लोगों को भेज रहे थे मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए। तभी हंसिंग बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल क्या हुआ ना मैंने तुम्हारे ऊपर ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन खर्च किया हुआ है तो मुझे तो मेक श्योर करना पड़ेगा ना कहीं तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ भाग तो नहीं गई, इसलिए मैं देखने के लिए लोग को भेज रहा था। तभी सायु बोलती है लेकिन तुम इतने ज़्यादा मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद हंसिन बोलता है नहीं नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जो तुम्हें आइडिया भी नहीं। और उसके बाद सायु बोलती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों रिलेशनशिप में थे, अगर वो इस शहर को छोड़ के जा रहा है तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसे छोड़ने दूँ, इसमें गलत क्या है। उसके बाद सायु को उसके करीब आता है और उसे बहुत पर्सनली किस करता है। और उसके बाद वो बोलता है सायु एक बात याद रखना, आज तुम बहुत किस्मत वाली हो, आज तुम बच गए, अगर दोबारा ऐसी कोई गलती की जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया ना उस टाइम पे मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, ऐसा वो बोलता है। सायु बोलते हैं कोई बात नहीं इतना कुछ समझ गई हूँ। और उसके बाद वो बाहर जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सायु जब ऐसे अपने टेबल पे थी तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि आज दूसरी लड़की
मतलब अभी जो बड़ी लड़की है बोली थी कि मैं संभाल लूंगी, उस लड़की ने अच्छा खासा प्लॉट बेच लिया और उसकी तारीफ हो रही थी। और ये सब देख के तो साई को गुस्सा आता है, मतलब साई वैसे बदतमीजी और ऐसे धोखा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सब कुछ तो उसने सेट किया था। उस लड़की के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। ये मन जब सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड था उसके पास जाके वो सच बताने की ट्राई करती है, तो वो बंदा भी नहीं मानता, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था उस टाइम पे तो वो क्लाइंट और उस लड़की ने साइन किया हुआ था, जहाँ पर साई का नाम था ही नहीं। इस बात की वजह से साई अपनी चीज को प्रूव कर नहीं पाती। अब हमें दिखाया जाता है साई सोचती है ज्यादा पंगा करूंगी तो अब पहला दिन है काम का और बेटी का मेडिकल फी और स्कूल फी भी तो रेडी करना है, तो वो चुप हो जाती है सोच के चलो मेरी किस्मत ही यही थी। और वो मेरे से बदला ले रहा है, मतलब उसका एक्स बॉयफ्रेंड हानसेन। और उसके बाद उसको कॉल आता है उसकी बेस्ट फ्रेंड का, तो वो फोन रिसीव करने के लिए कॉरिडोर के एरिया पे जाती है और वो बोल रही थी फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है तुम्हारे एक्स के ऑफिस में। वो बोल रही थी एक नंबर का कुत्ता कमीना, ए इंसान ही मनुष्य मेरे लिए पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है। यहाँ पर तो इसके एम्प्लॉय भी मेरे साइड पे नहीं बल्कि यहाँ पर मुझे ही बदला ले रहे हैं। मैंने इतना बड़ा काम करवाया और क्रेडिट कोई और ले रहा है, पता है मुझे लग रहा है मैं आज ही जॉब छोड़ दूँ, लेकिन नहीं कर पाती ना पैसा। वो बोल रही थी तभी वो उसे बोलते कि रिलैक्स रिलैक्स, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखो और तुम सोच रहे हो कि उसके सामने तुम्हें खड़े होकर रखना है। तभी ऐसे साई बोलती है कुत्ता कमीना सामने आता तो मैं नाक फोड़ देती। और उस स्थिति में सामने आ गया, मतलब वो पास हो रहा था, तो वो सुन लेता है साई की बातें, कुछ ही सुन लेता है। साई तो नर्वस होगी, वहां से 9-2-11 हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है साई वही लड़की जिससे उसका सारा क्रेडिट छीना हुआ था, उसको तो जॉब से निकाला गया और वो लड़की साई को गालियां देके वहां से चली जाती है। साई समझ नहीं पाती क्या हुआ, लेकिन ऑफिस में ये अफवाह जरूर फैल जाती है कि जो साई है कुछ स्पेशल है प्रेसिडेंट के लिए। हाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि पक्का इस लड़की ने प्रेसिडेंट को फंसाया ही होगा, जो प्रेसिडेंट इसकी बातें सुन रहे हैं। और इतनी ज्यादा बड़ी पोस्ट वाली लड़की को फायर करवा दिया गया, ऐसा वो बोला जा रहा होता है। साई ऐसे कॉरिडोर से जा रही थी तो एक बंदा के उससे चाकू रखता है। दरअसल लास्ट ऑफिस में जिस रीजन की वजह से साई को निकाला गया था उसमें कहीं ना कहीं साई भी इन्वॉल्व थी, मतलब ये बंदा जिसने चोरी किया हुआ था उसके गवाही दी हुई थी उसने, तो वो जेल पे चला गया और बाद में साई को भी जॉब से निकाला गया था। तो ओ बंदा उसके गले पे चाकू रख के उसे बोला था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, अगर तुम सच ना बता देती तो मुझे जेल जाना ना पड़ता। और साई बेचारी उसे समझाने की ट्राई कर रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। हानसेन के पास उसका असिस्टेंट जाता है और वो बोलता है बस ये सब कुछ हो गया क्या करना है। तभी वो बोलता है एक काम करो पुलिस को बुला लो। और उसके बाद वो तो सीधा निकलता है, उसका असिस्टेंट बोला था बॉस रुको वहां पर जाने में खतरा है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता और उसके बाद वहां से निकल लेता है। साई को वो जान पे खेल के बचाता है और उसके बाद वो बंदा तो गिर गया। बाद में पता चला नीचे पुलिस वाले हैं और ऑलमोस्ट 15 फ्लोर मतलब 15 फ्लोर के आसपास ही एयरबैग लगाया हुआ है, तो साफ ज्यादा गिरने देता ना साई को, लेकिन अब साई को थोड़ी कुछ होने देता था। और साई उसे थैंक यू बोलती है। शाम को दिखाया जाता है साई हानसेन के फ्लैट पे आके बैठी हुई थी, ऑलमोस्ट 2 घंटे तक वेट करने के बाद हानसेन वहां पर आ जाता है और उसके बाद साई उसके लिए कुछ खाने की चीजें लेके आई हुई थी। और उसके बाद हानसेन उसे अपने फ्लैट का पासपोर्ट बता देता है और साई सोच रही थी ये बस चेक करने की ट्राई कर रहा है मेरी लॉयल्टी क्या है। और उसके बाद अंदर जाने के बाद हानसेन उसे बोलता है इसमें क्या है, साई बोलते है कुछ नहीं तुम्हारे लंग्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, मतलब दरअसल क्या है ना साई ने देखा था हानसेन स्मोक करता है और स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ तो आपको पता ही होगा, तो वही 2-4 लेक्चर देती है और बोलती है उसके ऑप्शन पे तुम कुछ और ले सकते हो बोल के वो कुछ ऐसी अच्छी चीजें लेके आई हुई थी। हानसेन बोलता है मुझे ये सब नहीं चाहिए। साई बोलती है मैं ये सब इसलिए नहीं लाई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई इस बात की वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए सब कुछ लेके आई हुई थी। तभी हानसेन बोलता है मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। साई बोलती है तो क्या चाहिए। तभी उसे उसके आगे आगे आने लगता है साई, तो सीधा ऐसे एक चेयर पे गिर जाती है और उसके बाद उसके बहुत करीब आता है और वो बोलता है मुझे किस करो। साई तो शॉक में और उसके बाद उसे किस करने लगती है और हानसेन भी उसे किस बैक करने लगता है। और उसके बाद क्रेन इन दोनों का अच्छा मोमेंट चलता है और उसके बाद जो हानसेन था और रुक लेता है और वो बोलता है पता है प्रॉब्लम क्या है साई, जब भी मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ ना मुझे वो सब कुछ
भूलने का मन करता है जो कभी हमारे बीच में था, मतलब जो उसने धोखा दिया था उससे, और उससे बोलता है फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता तुम्हारे आसपास आने के लिए, और तुम मेरे लिए वही सरदर्द बन रही हो जिसको मैं मेडिसिन के थ्रू भी कम नहीं कर पा रहा हूँ, बोलता है। और उसके बाद उसे बेड पर ले जाता है, दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सारा काम खत्म होने के बाद हानसेन और सायू बेड पे होते हैं। हानसेन खांस रहा होता है, तभी सायू उसके लिए ऐसे शहद और पानी बना के ले आने वाली थी, मतलब गुड फॉर हेल्थ हनी वाटर। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हानसेन था उसके फ़ोन में अभी कॉल आता है। कॉल किसका था? ऑब्वियसली नीनी का था। नीनी बोल रही थी अंकल आप फ्री हो क्या, मुझे बात कर सकती हो? तभी हानसेन बोलता है हाँ बेटा। तभी वो बोलती है एक्चुअली क्या हुआ ना, मम्मा आज आई नहीं घर वापस और मुझे अकेले थोड़ा अजीब लग रहा था, तो थोड़ी देर बात कर लो ना। इस सुनने के बाद वो स्माइल करता है और वो बोलता है आपके मम्मा करते क्या है? तभी जो नीनी थी वो बोलती है कुछ नहीं अंकल, वो बहुत सारे जॉब करती है मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे मेडिकल बिल पे करने के लिए, और मुझे पता है आज मम्मा जॉब की वजह से नहीं आई होगी। ये सुन के हानसेन को बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है डोंट वरी बेटा आप अपना ख्याल रख लेना। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है नीनी वापस आती, जो हमारी सायू थी वो वापस आती है हनी और वाटर लेके, और उसके बाद वो उसे पीने के लिए दे देती है ये बोल के कि मैं नहीं चाहती तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, साहबजादे को स्मोक करके तबीयत खराब करनी है, और ये सेहत पानी दे के ठीक करने की ट्राई कर रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑफिस में जो हानसेन की फियांसी थी उसने एक लड़के को भेजा हुआ था क्लाइंट का बहाना करके, जो अभी हमारी सायू के साथ बदतमीजी करने लगता है। और यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा हो गया क्योंकि ये वाला फोटो तो ग्रुप चैट में, मतलब ऑफिस का जो ग्रुप होता है उस पर फैल गया था। सब लोग सायू को बुरी लड़की बोल रहे थे, मतलब स्लर्सिंग कर रहे होते हैं। एट दैट टाइम वहाँ पर असिस्टेंट आके सबकी क्लास ले लेता है और उसके बाद सबको वहाँ से भगा देता है। बाद में सायू असिस्टेंट को पूछती है कि आंसर ने भेजा हुआ था क्या, ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं बॉस क्यों भेजेंगे वो तो मैं ही आया था। ये सुनने के बाद उसे लगता है मैं ऐसे झूठी उम्मीद लगा के बैठी हुई थी। और उसके बाद हम अब अगले सीन में देखते हैं जो हानसेन था उसे फिर से एक बार कॉल आता है नीनी का, वो बोलती है मेरी मम्मा का बर्थडे है कल तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? वो बोलता है हाँ बोलो बेटा। तभी वो बोलता है कुछ नहीं मम्मी के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करना है, तो आप ना एक काम करो मेरे साथ आ जाओ हम साथ में जाके कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लेंगे। वो बोलता है कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे अभी जो सायू थी उसको लेके नीनी मार्केट पे गई हुई थी, और उसके बाद वो जो सायू थी उसको नीनी बोलती है आज मैं आपको किसी से मिलाने वाली हूँ मम्मा, आप बेचारी उसको तो पता नहीं ना किसके साथ मिलाने वाली है बेटी। लेकिन यहाँ पर होता है कि जो नीनी थी वो ऐसे नीचे हानसेन को देख लेती है अंकल करके वो बुला लेती है, हाय भी कर रही थी, तो हानसेन तो ऊपर आ रहा था। और ये देख के तो सायू शॉक में आ जाती है, उसे समझ में आ जाता है उसका जो मिस्ट्रेस मैन मतलब उसका फेवरेट बंदा कोई और नहीं उसका खुद का बाप था, वो तो जल्दी जल्दी वॉशरूम का बहाना लगा के वॉशरूम की तरफ निकल लेती है, मतलब अपना मुंह छुपाते हुए जा रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हानसेन जब नीनी के पास आता है तो वहाँ पर तो सायू थी ही नहीं, और उसके बाद जो नीनी थी वो बोलती है ओफो अंकल आज भी मैं मम्मा के पास आपको मिला नहीं पाई, मम्मा आप ही वॉशरूम गई है थोड़ी देर वेट करेंगे? वो बोलता है कोई बात नहीं बेटा। और उसके बाद दोनों वहाँ पर मस्ती करने लगते हैं, और उसके बाद जो हानसेन था और नीनी को कुछ चॉकलेट दिलाने लगता है क्योंकि वो चॉकलेट खा रहे बच्चों को देख रही थी। और उसके बाद वो बोलते हैं आप बहुत अच्छे हो अंकल काश आप मेरे पापा होते। इस सुनने के बाद हानसेन स्माइल करता है और वो बोलता है डोंट वरी बेटा आपकी मम्मा बहुत अच्छी होंगी, आप बोलते हो ना वो बहुत मेहनत करती है आपके लिए। इस सुनने के बाद जो नीनी थी वो बोलती है हाँ अंकल मेरी मम्मा बहुत अच्छी है लेकिन क्या करें उनको इतना कुछ करना पड़ता है अकेले, काश मेरे पापा होते और वो आप होते, बोल के फिर से वो स्माइल करती है। ये सब कुछ सायू देख रही थी दूर से, उसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी हानसेन को कॉल आता है अर्जेंट ऑफिस में आने के लिए, तो जिस बात की वजह से उसे वहाँ से निकलना पड़ता है लेकिन वो नीनी को सॉरी बोल के निकल लेता है। और ये सब होने की वजह से आज फिर से एक बार ये जो बाप बेटी वाला रिलेशन इन दोनों के सामने खुल नहीं पाता। एक पार्टी था जिसपे सायू को लेके जाना था, असिस्टेंट ड्रेस लेके आता है, तो अब हम सीधा चलते हैं पार्टी पे।
तो यहाँ पर पार्टी पे सब लोग हानसेन पे बुरी नजर बना के बैठे हुए थे। अब बनाने का रीजन भी तो जस्टिफाइड था, इतना गुड लुकिंग हैंडसम रिच सिंगल बंदा अगर मार्केट में ऐसे खुला घूमेगा तो लड़कियां नजर डालेंगी, वही यहाँ पर हो रहा होता है। लेकिन साफ सुथरे की नजर साहिल पे थी, ये तो सबको पता होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर जो उसकी फियांसी थे उसके साथ आके डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। और उसके बाद उसी तरह साहिल के पास आता है और उसके बाद उसके साथ वो डांस करने लगता है। साहिल बोलती है तुम्हारी फियांसी यहाँ पर है, मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ डांस करना चाहिए। वो उसकी कोई भी बातें नहीं सुनता। और उसके बाद वो कुछ देर उसके साथ डांस करने के बाद अंदर वॉशरूम के लिए निकल रहा होता है। सायु ऐसे उसके पीछे पीछे जा रही थी, वो देखती है उसकी फियांसी तो किसी और के साथ भयंकर रोमांस में लगी हुई है। दैट मेक्स सायु शॉक्ड, वो सोचती है इसे बुरा लगेगा, इसीलिए वो पहले हानसेन को अपने पास खींचती है और वो किस करने लगती है। अब उसका किस करने की वजह से जो हानसेन था वो तो शॉक में आ गया, इवन वो तो उसे मतलब किस बैक करने लगता है। और बाद में सायु रोक लेती है और उसके बाद वो उसे बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये चीप ट्रिक मुझ पर काम करने वाली है, अब मुझे कुछ फैसिनेटिंग नहीं लगता तुम में ऐसा हो, बोलता है कमीना इंसान। और उसके बाद सायु कुछ बोलती उससे पहले वहाँ पर दोनों का रोमांस वाला म्यूजिक मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा था वो तो निकल ही जाता है। और ये देखने के बाद हानसेन तो शौक में और वो बोलता है तुम मुझे इससे बचा रही थी कि मेरी फ्रेंड्स का किसी और के साथ अफेयर है उससे छुपाने के लिए। और तभी सायु कुछ बोल नहीं पाती। पार्टी के ख़त्म होने के बाद नीचे पार्किंग एरिया पे कोई तो बंदा आया हुआ होता है जो हानसेन के ऊपर स्टैप करने वाला था, जाको मारने के लिए। सायु बीच में आती है, वो बहुत बुरी तरह से घायल होती है, सीधा हॉस्पिटल में सीन दिखाया जाता है। साहबजादे आई एम इंटर से हमारा सन की सीईओ, जब तक सायु होश में नहीं आती वो तो भूख प्यास कुछ भी सोचे समझे बगैर ही वो अपने हालत ख़राब करके वो सायु के लिए वेट कर रहा था। ये देख असिस्टेंट को तो बहुत बुरा लग रहा होता है, वो समझाने की ट्राई कर रहा था वो ठीक हो जाएगी बस आप कुछ खाइए, लेकिन वो बिल्कुल भी उस बात के लिए भी राजी नहीं था। और उसके बाद जब सायु थोड़ा बेटर हो गई उसके बाद वो थोड़ा अच्छा फील करता है, तभी उसे कॉल आता है उसकी मम छत की तरफ गई है तो प्लीज़ आ जाए। ये वही हॉस्पिटल था जहाँ पर हानसेन की मम का इलाज चल रहा था। आप लोगों को याद होगा एपिसोड के स्टार्टिंग में हानसेन और उसकी बेटी की मुलाकात यही हुई थी, तब उसने बोला था उसकी माँ का इलाज चल रहा है, तो वही वाली माँ। जब वो जाता है तो उसकी माँ तो छत पे थी जहाँ पर वो ऐसे सुसाइड करने की ट्राई कर रही होती है। और तभी दिखाया जाता है हानसेन अपनी माँ को नीचे करता है, बाद में पता चला उसकी माँ को अल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर मतलब वो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख पाती, इवन कभी कभी तो खुद के बेटे को भी भूल जाया करती थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब आंटी जी को नीचे लेके आता है, कॉरिडोर के थ्रू वो जा रहा होता है, तभी जो हानसेन की माँ थी वो देखती है उसी कॉरिडोर के थ्रू साय की मॉम थी जो व्हीलचेयर में थी। इसका मतलब ये था साय की मॉम मरी नहीं थी। और उसके बाद हानसेन की जो माँ थी वो साय की मॉम का गला दबाने लगती है, ये बोल के तुम्हारी बच्ची सब कुछ हुआ है, मैं तुम्हारी फैमिली को कभी माफ़ नहीं करूँगी। आंटी जी तो ज़मीन में गिर जाती है। अब तो पता चला हानसेन को पहले से ही पता था साय की माँ की मौत नहीं हुई थी, यानी कि ये सीधा सीधा हानसेन को इन लोगों ने फंसाया हुआ था लिटरली। और उसके बाद हानसेन आंटी जी को व्हीलचेयर में बिठाता है और वो उनके चक्कर पे दिखता भी नहीं है और वो वहाँ से जाने वाला था। आंटी जी उसको रोकती है और वो बोलती है बेटा क्या अब तक नाराज हो, मुझे पता है हम लोगों ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी हुई है, लेकिन माफ़ कर देना, इस बात के लिए कुछ ऐसे रीजन थे शायद तुम्हें हम एक्सप्लेन भी ना कर पाए, ऐसा हो बोल रही होती है। हानसेन बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप अच्छे से रहिए, बस इतना ही अच्छी बात है, बोल के जाने वाला था। हानसेन को साय की माँ बोलती है मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा, बस उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसके पापा उसके फेवर पे नहीं थे और उन लोगों ने मजबूर किया मेरा इस्तेमाल करके उसके छोटे भाई का इस्तेमाल करके तुम्हें फंसाने के लिए, और उसके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं और उसे ये सब करना पड़ा, माफ़ कर देना बेटा, बोल के वो रो रहे होते हैं। हानसेन बोलता है मेरे ऐसा है कि उसमें ऐसा कुछ है नहीं अभी, और वो 6 साल पहले वाली बात है, मैं अपने पास को पीछे छोड़ के आगे आ चुका हूँ, तो आप उन सब बातों को ऐसे आगे लाकर
मेरे सामने कोई भी गेम मत खेलिए। वो बोल के जाने वाला था, तभी साई की माँ उसे और रिंग देती है और बोलती है, मेरी बेटी ने कहा था इसकी ज़रूरत अब उसे नहीं है, और इसका जो ओरिजिनल ओनर है यानी कि ऑब्वियसली हानसेन, उसको लौटाना ज़रूरी है। और उसके बाद वो बोलता है, पर मैं नहीं ले सकता। तभी मॉम बोलती है, नहीं बेटा तुम्हें ले लो, क्योंकि जब ये मेरे साथ रहेगा ना मुझे ये गिल्ट रहेगा, मेरे यार मेरे छोटे बेटे के चक्कर में मेरी बेटी को बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा, उसको अपना प्यार कुर्बान करना पड़ा, ये रख लो बेटा बोल के वो दे देती है। और उसके बाद हमें पता चला सायू को वो कितना हेट क्यों करता है, मतलब उसे झूठे इंजाम में उसने फंसाया हुआ था। और हाँ साई को भी इसके बारे में पता था, इसीलिए तो इस गेल के चक्कर में वो कभी भी उसके आसपास जा नहीं पाती और वो अपना इमेज और ख़राब कर रही थी। सायू जब अपनी आंखें खोलती है उसके बाद हमें दिखाया जाता है, हानसेन उससे बोलता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई, अपने जान को खतरे में डालकर। ये सुनने के बाद सायू बोलती है, बस मैं थोड़ा अपने आप को शांत करना चाहती थी, अपने जो अंदर का गिल था उसको कम करना चाहती थी, मेरी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा था और मैं उसको थोड़ा मतलब कम करना चाहती थी। ऐसा होता है ना कि मेरे पास ये सब हुआ तो मैं तुम्हें फेवर रिटर्न कर रही हूँ। ऐसे सुनने के बाद हानसेन बोलता है, एक बात बताओ, तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद मेरा जो मेरी लाइफ के 6 साल गए, मेरा रेपुटेशन सब कुछ दबाया गया, इसका तुम हर जाना इस तरह से भर पाओगी। चाहे बोलती है, तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे बताओ, मैं सब कुछ करूँगी। ये सुनने के बाद हानसेन उसे बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक यू, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वो 6 साल पुराना वाला हानसेन नहीं हूँ। और उसके बाद वो बोलता है, जो भी मेरे साथ तुमने किया हुआ है उसके बाद ना कोई भी तुम कुछ भी करोगी ना वो कमी पड़ेगा। हानसेन बोलता है, ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ या फिर तुम कुछ भी ऐसा करके कंपेंसेट कर पाओ, इस जन्म में ये सब चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जो मैंने झेला हुआ है 6 सालों अलग बात है, और इसका हर जाना कोई भर नहीं पाएगा। ऐसा वो बोल के वहाँ से चला जाता है। कॉरिडोर में जाने के बाद साहब जाते इतने स्ट्रेस में आकर फिर से वो स्मोक करने लग जाते हैं। और उसके बाद वो याद कर रहा था पास्ट वाला टाइम, जहाँ पर सायू उसके पास आके उसे डांट रही थी कि ऐसा कुछ भी मत करो, तुम ज़्यादा स्मोक मत करो, स्मोक करने वाले लोग की लंग खराब होती है, वो जल्दी मर जाएंगे, और मुझे तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बितानी है। और उसके लिए कुछ भी करने को रेडी था, वही याद करता है और टेंशन में आ जाता है। और तभी वहाँ पर लॉयर आता है और वो बोलता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है सर। और उसके बाद वो वापस आता है साई के पास, यहाँ पर उसे ब्रेड देता है तो थोड़ा जला हुआ था, मतलब साई को जिस तरह से पसंद था वही वाला था। साई बोलते, तुम अभी भी याद था मुझे ऐसा वाला पसंद है। ऐसे निकी बात हानसेन बोलता है, नहीं ओ बस वो बेकरी वाले से ज़्यादा जल गया था। साई कुछ नहीं बोलती और उसके बाद वो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो बोलता है, आज के बाद तुम्हारे यार मेरे बीच में सब कुछ ख़त्म और तुम आ जा दो। ये सुनने के बाद साई बोलती है, और जो तुमने मेरे ऊपर 1.5 बिलियन खर्च किया है उसका क्या। ये सुनने के बाद हानसेन बोलता है, तुम्हारी शक्ल रोज़ देखने से अच्छा है मैं लास्ट में रहूँ, और 1.5 बिलियन तो मैं ऐसे ही कमा लूँगा, लेकिन तुम्हें बार बार देखना तो नहीं पड़ेगा ना। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तुम्हारी जो तुमने मुझे धोखा दिया वो याद आता है, और वो सब कुछ में मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बस मुझे मूव ऑन करना है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। साई बोलती कि अच्छी बात है, अगर ये बात है तो मुझे फ्री करने के लिए थैंक यू, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि अब मैं आ जा दूँ तो मैं किसी से भी शादी कर लूँगी और आपने अच्छी लाइफ जी लूँगी, मैं एक हैप्पीली मैरिड वाला लाइफ जी लूँगी बोलती है। ये सुनने के बाद हानसेन को तो बहुत गुस्सा आता है, वो उसे बोलता है, आई डोंट केयर तुम जिंदा रहो या मरो, लेकिन तुम्हें मैं ऐसे आज़ाद कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि जाके किसी और बंदे को आई मीन टू से बकरे को उठा के तुम उसको भी हलाल करोगी, ऐसी गलती दोबारा मत करना, ऐसा वो बोलता है। एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। सायू जब वो चला जाता है तो वो बहुत रोने लगती है, वो मन ही मन में सोच रही थी, मैं उसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, मैंने उसकी पूरी लाइफ तबाह कर दी, लेकिन मुझे आखिरी बार उसे गले लगाने का मन कर रहा है बोल के वो रो रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सायू बाहर जाने वाली थी और हानसेन को दिखाया जाता है, वो सोचती थी क्या वो आएगी एक बार मुझे देखने के लिए आखिरी बार, ऐसा वो सोच के वो ऐसे वेट कर रहा था, लेकिन जब सायू नहीं आती वो वहाँ से निकल लेता है। और इसके बाद दिखाया जाता है जो सायू थी ओ वहाँ पर आई चिल्लाती रह जाती है, और वहाँ से हानसेन जा चुका था। अगले दिन में दिखाया जाता है जो सायू थी उस बेहोश होकर जब उठती है तो उसे पता चला उसे तो कुछ हेल्थ इश्यू हो रखा है, तो डॉक्टर बोलती है उसके हार्ट बहुत ज़्यादा अभी वीक स्टेट पे है और ज़्यादा से ज़्यादा वो
6 से 7 महीना ही बच पाए कि सुनकर तो उसे बहुत बड़ा शक लगता है। यार बिचेरी अपनी बेटी को पाल रही थी, इतना कुछ स्ट्रगल कर रही थी, अब तक तो सांसन को पता भी नहीं उसकी बेटी है, तो उसे अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। घर पे जाके भी वो बहुत स्ट्रेस में थी, और तभी वहाँ पर लरेंकल आए हुए थे कॉन्ट्रैक्ट को देने के लिए। तो वो देख लेते हैं सारी की एक बेटी है, वो तो शौक में, अब उनको तो पता ही है ना हंसन और सायू के बारे में। तो वो जब वो चले जाते हैं तो सायू की बेस्ट फ्रेंड उसे बोल रही थी अगर हंसन को पता चलेगा तो वो इन्हीं को लेकर चला जाएगा। सायू बोलती है कोई बात नहीं, अगर लेना चाहता है तो ले सकता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है क्या बेकी बातें कर रहे, तुम्हें पता है ना वो तुमसे नफरत करता है, वो तुम्हें मिलने भी नहीं देगा। सायू बोलती है मैंने जो उसके साथ किया वो बहुत बड़ी बात है, और ऐसे भी वो उसका पापा है ना, और वो उसे बहुत प्यार करेगा, मुझे उम्मीद है। अगर मैं कस्टडी लड़ने जाऊंगी तो मैं तो उससे जीत ही नहीं पाऊंगी, इससे बेटर है मैं उसको चुपचाप बेटी दे दूँ। ये सुनने के बाद वो तो शौक में आ जाती है, और उसके बाद सायू अपने बेटी के पास जाती है नैनी के पास, और वो बोलती है बेटा अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पापा जिंदा है तो आप मुझे यकीन करोगे। बेटी बोलती है नैनी हाँ मम्मा क्यों नहीं, मेरे पापा जिंदा है क्या। वो बोलते हैं कि हाँ, और आप अब कल पापा से मिलने जाओगे। और उसके बाद रात को वो ऐसे अपने पापा के बारे में सर्च करती है, तो उसे समझ में आ जाता है उसके जो फेवरेट अंकल इतनी बार वो मिल चुकी थी वो तो उसके पापा है, वो बहुत खुश होती है। सो नेक्स्ट डे जाती है सायू की बेटी नैनी सीधा ऑफिस भी, और उसके बाद हंसन को जोर से गले लगाती है और बोलते कि पापा। ये सुनने के बाद हंसन को इतना अच्छा लगता है और वो बोलता है बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इतने सुबह सुबह। वो बोलते हैं पापा आप मेरे पापा हो, मैं बहुत खुश हूँ। इसने कहा तो बोलते कि बेटा आपके मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा से मिलाओ। वो सोचता है इतने टाइम से तो इसकी माँ से मिला नहीं हूँ, मिल लेता हूँ। तो वो ऐसे उसकी माँ को दिखाती है, मतलब साई को। साई को देखने के बाद हंसन तो शौक में आ जाता है, मतलब अब तो सच में इसकी बेटी है, वो तो शौक में। और उसके बाद लॉयर अपना जो असिस्टेंट सेंदा उसको बुला लेता है और वो बोलता है इसको लेके जाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोल रही थी पापा आप मम्मा से लड़ाई करोगे क्या, प्लीज़ लड़ाई मत करना, मम्मा ने बहुत मेहनत की है और हम साथ में रहेंगे, आप बाकी लोगों की तरह मेरी भी फैमिली होगी मम्मा पापा वाली। ये सुनने के तो बोलते हैं कि बेटा मम्मा पापा को कुछ बात करनी तो आप थोड़ी देर अंकल के साथ रहोगे। ये सुनने के बाद बेटी बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं। और उसके बाद वो सारी के पास आता है और वो बोलता है मुझे कुछ और बताना रह गया है या फिर वो भी कुछ छुपा हुआ है, अगर कुछ बताना है तो वो बताओ। तभी साई बोलते हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद उसे बोलता है आई एम सॉरी, बस एक कहने से तुम्हें लगता है तुम ये सब कुछ ठीक कर पाओगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे इतनी बारी बात छुपाने की। साई बोलती है मुझे अच्छी तरह से बताए, मैं अगर तुम्हारे साथ कस्टडी लड़ूंगी तो भी मैं अपनी बेटी को नहीं ला पाऊंगी, इसलिए मैंने सब कुछ किया। वो उसे बोलता है तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम उसे बदला लेना चाहती हो, या फिर तुम उस बात का सजा दे रही हो कि मैंने तुम पे अपनी जान लुटाई थी, मैं तुमसे प्यार करता था और इसका बदला ले रही हो ना। इस बच्ची को मैं पहली बार हॉस्पिटल में मिला था जहाँ पर ये बोल रही थी इसको कोई मेडिकल इश्यू है, और तुम्हें लगता है तुमने इसको अच्छी लाइफ दी हुई है, ऐसा बोल के उसे गुस्सा करता है। तभी सायू से बोलती है अब मैं तुम्हें वापस बेटी दे रही हूँ ना, तो तुम इतना ज़्यादा सीन क्यों कर रही हो। ऐसे सुनने के बाद हंसन बोलता है अब तुम ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कि तुम बहुत इनोसेंट हो, बहुत अच्छी हो, मुझे पता है तुम कैसी हो, और ऐसा मत सोचना कि तुम मुझे बेटी वापस लौटा रही हो तो तुमने बहुत अच्छी चीज़ की। तुमने 6 साल तक मेरी बेटी को जिस लाइफ दिया हुआ है ना, जिस तरह से रखा हुआ है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी जाने भी ना दूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी मत मंडराना। सायू अब माँ थी ना, वो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि उसकी बेटी को देखे भी ना। वो बोलती कि क्या मैं उसे मंथ में 2-3 बार देख सकती हूँ। तभी वो बोलता है कि हरगिज़ नहीं, बस एक बार, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी बेटी अभी उसे आदत है उसकी माँ को देखने की, तो बाद में मैं तुम्हें एक बार भी मिलना दूंगा। सायू मन मन में सोचती है मेरे पास 6-7 महीना है, अगर मैं बाद में मिलना चाहूँ तो अभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा बोल के वो ओके बोल देती है। और उसके बाद हंसन सायू जो थी उसको छोड़ के नैनी को लेकर वहाँ से जाने वाला था, तो वो बेचारी आप बेचारी को तो पता ही नहीं है ना मम्मा नहीं आएगी बस पापा रहेंगे, तो वो तो रोने लग जाती है और रोते रोते वो गाड़ी में बेहोश। उसके बाद उसे हॉस्पिटल पे लाया जाता है, तो हॉस्पिटल पे पता चला साई की जो बेटी है, मतलब इन दोनों की बेटी, उसको हेल्थ इश्यू है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर तो उसे बहुत गुस्सा आता है, मतलब उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि एक ऐसी लड़की जिससे इतने पागल की तरह प्यार किया आज उसके इतने सारे कट्टे चिट्टे खुल रहे।
अगले सीन में दिखाया जाता है साहिल जॉब रियलिटी बताती है असल में नीनी थी उसको हेल्थ इश्यू था और इसी बात की वजह से तो बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होती रहती थी। उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगता है, उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसकी बेटी को इस तरह से छुपाने के लिए साहिल उसे बोलती है मेरे पास पैसे नहीं थे। सुनने के बाद तो हंसन को और ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि साहिल के पास ऑप्शन था, वो हंसन के पास वो बेटी को वापस लाए, वो उसे एंड मोमेंट पे उसे बेटी लौटा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन अभी गुस्से वाला टाइम नहीं था क्योंकि डॉक्टर आते ही और इसके बाद ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया। तो उसे थोड़ा नहीं बहुत केयर करना पड़ेगा और उसे रो लाना तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बेटी की अब दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हालत में है। और ये सुन के तो हंसन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और इसके बाद दोनों ही हंसन और साहिल बेटी से मिलने जाते हैं, मतलब नीनी से। और उसके बाद नीनी बोलती क्या आप दोनों अलग रहने वाले हो, मम्मा और पापा साथ में रहते हैं ना और आप दोनों अलग क्यों रहोगे, मम्मा आप मेरे साथ रहो पापा के साथ रहो बोल के वो रो रही होती है। तभी दोनों प्रॉमिस करते हैं कि बेटी को मतलब जो हमारी बच्ची है उसको माँ बाप से अलग नहीं करेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। रात को दिखाया जाता है दोनों साथ में जाते हैं हंसन के घर पे और उसके बाद बेटी को तो अंदर लाया जाता है और उसके बाद साहिल उसके कुछ ज़रूरी चीज़ें देती है और बोलती है मैं महीने में एक बार मिलने आऊँगी, अब तुम बच्ची का अच्छे से ख्याल रखो बोल के वहाँ से निकल लेती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को हंसन को कॉल आता है किसी का और वो बोला था आपकी जो एक्स वाइफ है मतलब ऑब्वियसली साहिल वो बार पे नशे की हालत में टोन हो रही है तो उसे लेने आ जाओ। वो बोलता है वो मरे या जिंदा रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद जो फोन वाला था वो बोल रहा था देखो अगर आप नहीं आओगे तो यहाँ पर कुछ गलत इरादे वाले लोग भी है और आई डोंट थिंक वो लोग साहिल को ऐसे जाने देंगे क्योंकि वो बहुत नशे में तो उसे कुछ भत्ता पता है ही नहीं। बेचारा हंसन अब बोलता है ना आई हेट यू लेकिन कर नहीं पाता, बोलने में और करने में फ़र्क होता है और होता वही है। वो चला गया उसे लेने के लिए, साहिल को देखता है वो तो पुल्ले टल्ली होकर बैठी हुई थी और वो तो उसे पहचानने के लिए भी रेडी नहीं थी। साहिल को हंसन बोलता है चलो घर, उससे बोलती है हेलो मिस्टर हो कौन तुम ऐसे बाय द वे बहुत हैंडसम हो ऐसा वो बोलती है। हंसन उसे बोलता है घर चलो साहिल, तभी वो उससे बोलती है पता है तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन में हो लेकिन अब मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मुझे अपनी बेटी के पैसे जमा करना नहीं पड़ेगा और मुझे पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि मेरी बेटी तो उसके पापा के पास है, मैं बहुत खुश हूँ और उसे बहुत अच्छे से रखेगा। तभी साहिल को हंसन बोलता है तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम अपनी बेटी को उसके पापा के पास छोड़ के आए। साहिल बोलते हैं हाँ मैं क्या करती, मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, मैंने उसे इतना हर्ट किया और मुझे कॉम्पेंसेट करना तो पड़ेगा ना और मेरे लिए मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पनिशमेंट यही होगी कि मैं अपनी बेटी से नहीं मिलूंगी और वो अपने पापा के बस अच्छे से रहेगी और मैं उसे देख भी ना पाऊँ। पता है कितना बुरा लगता है, मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उस बंदे को हर्ट किया जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे पता है वो मुझे कभी माफ़ कर नहीं पाएगा लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, मैं उसके लिए इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी बोल के रोने लग जाती है। हंसन उसे देख रहा था और उसके बाद वो बोलती है तुम इतने ज़्यादा पोल की तरह क्यों खड़े हो, थोड़ा मूवमेंट करो नाचो झूमो, यहाँ पर हम पार्टी करने आए पार्टी के लिए आए हो ना मिस्टर स्ट्रेंजर ऐसा वो बोलती है। हंसन बोलता है साहिल घर चलो तुम्हें चढ़ गई है। तभी वो उसे बोलती है तुम्हारी शक्ल इतनी ज़्यादा ठंडी क्यों पड़ गई, जैसे कि मेरे घर का रेफ्रिजरेटर बोल के उसे गले लगाती है और वो वहीं पर सो लेती है। हमें दिखाया जाता है जो साहिल थी वो तो सो गई और उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जो साहिल थी वो एक मेन ट्रिप पे गई हुई थी हंसन की कंपनी के ट्रिप पे, तो वो अभी जॉइन करने वाली थी तो वो सोचती है चलो लास्ट टाइम चली जाती हूँ, वो ऐसे मना नहीं कर पाती। वहाँ पर साहिल का जो फ्रेंड था जो साहिल मतलब हंसन का जो बेस्ट फ्रेंड था फेंग वो देखता है मेडिसिन गिर गया साहिल के पक्ष से, वो मेडिसिन देख लेता है और उसके बाद उसका नाम उसे याद हो जाता है। पहले तो साहिल को पूछने जाता है कि कौन सा मेडिसिन है, साहिल झूठ बोल देती है कि नहीं वो बस वीकनेस वाली मेडिसिन है, उसे बिल्कुल यकीन नहीं था। इसीलिए वो साहिल के बचे हुए फ्रेंड्स को मतलब जिन लोगों से साहिल बातें करती है उन सबसे पूछने लगता है कि साहिल को कोई हेल्थ इश्यू था क्या, लेकिन साहिल ने तो किसी को बताया नहीं इसीलिए वो
किसी को किसी से जान ही नहीं पाता कि साई को एग्जैक्टली क्या हेल्थ इश्यू। आयु थोड़ी हाइट वाले एरिया पे थी, स्नोबॉल हो रहा था और वो बहुत ज्यादा रोए जा रही थी ये सोच के कि मेरा लाइफ इस तरह से खराब कैसे हो गया। और वो सोच रही थी मेरे लिए ये सही है कि मैं अपने आप को इस तरह से परेशान करती रहूँ, टॉन्ट करती रहूँ और मैं मर जाऊंगी किसी दिन, और जिस बंदे से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसे पता भी नहीं चलेगा मैंने उसकी लाइफ खराब की है, तो ये सब मैं डिजर्व करती हूँ बोल के वो अकेले रोए जा रही थी। और तभी वहाँ पर हांसन आता है, हांसन होते उससे ढूंढते ढूंढते आया हुआ था और उसे बोलता है पागल हो गई हो, यहाँ पर क्या कर रही हो साई चलो। वो देखता है रो रही है और उसे पूछता है तुम रो क्यों रही हो, साई उसे नहीं बताती। उसके बाद उसे जबरदस्ती लेके चला जाता है, मतलब सच में बहुत ठंडी पड़ी हुई थी और उसकी तबीयत इतनी अच्छी लग नहीं रही होती है। उसके बाद वो एक रूम रेंट करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उस बंदे को ऐसा लग रहा था उस बंदे को कि ये दोनों कपल है, तो वो तो वहाँ पर उन्हें कुछ प्रोटेक्शन के पैकेट भी देने लग जाती है। तभी हांसेन बोलता है नहीं नहीं आप जैसा समझ रहे ऐसी बात है नहीं, हम दोनों वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो साई थी वो वॉशरूम में थी, वो खांस रही थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और उसके बाद हांसेन उसे बाहर से ऐसे बोलता है तुम्हारे लिए मैंने कपड़े रख दिए तो चेंज कर लेना। साई अंदर से बाहर आती है और हांसेन जाने वाला था उसे ऐसे हक करती है और साई उसे बोलते हैं क्या मैं आखिरी बार तुम्हें हक कर सकती हूँ बोल के, वो उसे बोलते हैं प्लीज़ थोड़ी देर ऐसे रहो ना। और उसके बाद वो ऐसे बहुत गर्म हो, मतलब उससे फीवर हो रखा था। हांसेन उसे बोलता है तुम्हें तो फीवर हो रहा है, तभी साई बोलती है छोड़ो उसे मुझे बस थोड़ी देर तुम्हें गले लगा कर बैठना है, ऐसा वो बोलती है। हांसेन उसकी तरफ देखता है और उसके बाद साई उसके गाल पे किस करती है और बोलते हैं आई एम सॉरी। और तभी हांसेन उसे बोलता है पहले तुम मुझे प्रोपोज करते हो और बोलते हो सॉरी तुम्हारी प्रॉब्लम है ये, और उसके बाद उसे बोलता है स्टार्ट तुमने किया है तो मुझे ब्लेम मत करना। और उसके बाद उसे किस पैक करता है, दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह वाला सीन साई उसे काफ़ी प्यार से देख और उसके बाद वो उसे ऐसे किस करती है और बोलती है मुझे माफ़ कर देना ये हमारा आखिरी मुलाकात होगा। और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाती है, तो हमें दिखाया जाता है अब वो पुलिस स्टेशन पे गई थी 6 साल पहले जो उसने झूठी गवाही दी थी हांसेन के खिलाफ, तो उसके उसका असली मतलब उसका असलियत बताने के लिए, जहाँ पर उसका जो भाई था उसके पापा का पहली वाइफ का बेटा उसने सारा कांड किया था और उसके बाद हांसेन को फंसाया गया था, वो सारा सच बता देती है। और जिस चक्कर में हांसेन का सारा नाम क्लियर हो जाता है मीडिया वाले, अब हांसेन को क्लियर चिट दे देते हैं कि वो कोई खोनी नहीं था, उसने किसी की जान लेने ट्राई नहीं किया था। ये सुन के तो हांसेन शॉक में और सोचता है ये कर क्या रही है। और उसके बाद अच्छा ये हुआ कि सायू की स्टेटमेंट की वजह से जो एक अकलौती गवाह थी, और अब हांसेन को सब लोग अच्छा बोलने लगते हैं, सब लोगों के मन में हांसेन के लिए एक सिंपैथी आ जाती है। और उसके बाद सायू उसका पापा उसे तमाचा लगाता है और वो बोला था अभी के अभी स्टेटमेंट चेंज करो, तुम्हारा बड़ा भाई जेल जा रहा है और तुम इसे अपने यार के लिए सब कुछ कर रही हो। तभी सायू बोलती है जो सच है वो सच है, मैंने 6 साल पहले जो गलती की थी दोबारा मैं नहीं करूँगी और मैं हांसेन को बिल्कुल भी नहीं फंसाने वाली बोल के जाने वाली थी। उसके पापा बहुत गुस्से में ये बोल के चले जाते हैं कि इस बात के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और ये मत सोचना कि तुम्हारा हांसेन जिंदा रहेगा, क्यों जिस तरह उसके बाप को मारा इस तरह से मैं उसे भी मार डालूंगा, ऐसा वो बोल के गुस्से में चले जाते हैं। सारी तो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हांसेन के पापा को आपने मारा है वाला रिएक्शन था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हांसेन उसके पास आता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है साई मुझे सच बताओ। साई बोलती है कुछ नहीं, जो गलती मैंने 6 साल पहले की थी उसको मैं बदल रही हूँ, उसको मैं सही कर रही हूँ, आई एम सॉरी मैं तुम्हारे लिए इसके अलावा कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे ऊपर तुमने अपनी पूरी लाइफ तबाह कर दी और अभी शायद ये मेरे पे बैक का आखिरी मौका था, इसके अलावा अब मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना, ऐसा वो बोलती है। हांसेन उसे बोलता है मुझे सच बताओगी क्या चल रहा है सायू ये सब कुछ, तभी हांसेन को सायू बोलती है बस वही है जो मैं तुम्हारे लिए कर पाई और शायद ये आखिरी चीज़ होगा, अब इसके बाद तुम्हारा नाम क्लियर हो गया और लोग तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे और अभी जो असली में गुनहगार था उसी को सजा मिलेगा, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद जो हांसेन था वो उसे बोलता है चलो घर, और उसके बाद उसे घर की तरफ ले जाता है।
सायु एक बार फिर से हंसन के घर पे थी। उसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए वो उसके लिए हनी वाटर लेके आता है, मतलब कुछ था मेडिसिन, हनी वाटर नहीं बोलूंगी। और उसके बाद सायु वो पी लेती है, और उसके बाद वो बोलती है मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। हंसन बोलता है कोई बात नहीं, और उसके बाद सायु सोने के लिए रूम की तरफ जा रही थी। हंसन उसे पीछे से जोर से हक करता है, और अब हंसन से नहीं रुका जाएगा, वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। सायु को ऐसे उसके हेड पर किस करता है और बोलता है मुझे सच बता पाओगी। ये सुनने के बाद सायु बोलता है कि प्लीज मेरे लिए चीजें और कॉम्प्लिकेट मत करो, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद हंसन बोलता है तुम्हें हक किसने दिया मुझे छोड़ के जाने की, तुम अचानक से ऑफिस से रिजाइन करती हो, और उसके बाद पुलिस स्टेशन पे जाके मेरे अगेंस्ट जो बोला हुआ था उसको सही करती हो, और अभी तुम सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, इनफैक्ट तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम मेरी बेटी को छोड़ के जा रहे हो, ये सब कुछ तुमने मुझे पूछ के किया था क्या? नहीं, ये सब मैं ही कर सकती ना, तुम सायो प्लीज मुझे बताओ तुमने ये सब क्यों किया, ऐसा बोल के वो ऐसे कांपते रो रहा होता है। सायो उसे बोलते हैं प्लीज मेरे लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट मत करो, मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है सब करने के लिए, तो अब मैं अपने आखिरी मोड़ पे हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें मुश्किल मत करो, हंसन ऐसा वो बोलती है। हंसन मुझे बोलता है नहीं मुझे सच बताओ प्लीज़, तुम मामे छोड़ के मत जाओ ना, हमारी बच्ची है, वो क्या सोची कि मैं क्या बोलूँगा कि उसकी मम्मा कहाँ पर गई, और मुझे सच बताओ ना क्या हम पहले की तरह वापस नहीं आ सकते, सब कुछ सही नहीं कर सकते। साय उसे बोलती है नहीं हंसन हम सब कुछ सही नहीं कर सकते, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हारी लाइक बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम कुछ और डिजर्व करते हो जो मुझसे बहुत बेटर हो, और मेरे पीछे तुम्हें अपनी लाइफ ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, डोंट वरी मैं हमारी बच्ची के बीच में भी नहीं आऊँगी, मैं धीरे धीरे करके मैं बेटी से भी मिलना बंद कर दूँगी, और मेरे तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी निशानी यही होगा हमारे प्यार की निशानी, हमारी नीनी, ऐसा वो बोलती है। वो वहाँ से भाग के अपने रूम की तरफ चली जाती है, और उसके वहाँ पर वो बहुत गंदी तरीके से रोने लग जाती है, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था, जो देखे तो उसी देखे मुझे भी रोना आ रहा था। हमें दिखाया जाता है इतना कुछ होने के बाद होता ये है कि जो हंसन की फियांसी थी वो हंसन की माँ को लेके जाती है, और उसके बाद वो जानबूझ के पहले तो वो साय की माँ को दिखाती है, और आंटी जी जब साय की माँ की दिखती है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो उसे बोल रही थी तेरे वजह से मेरे पूरी फैमिली तबाह हो गए, तेरे हस्बैंड ने मेरे पति को मारा है बोल के वो रो रही थी, और गलती से धक्का लग जाता है, बहुत बुरी तरह से आंटी जी गिर गई। और उसके बाद होता यह है कि साहिल की माँ की मौत हो गई, और उसके बाद बहुत बड़ा पंगा हो गया, हंसन वहीं पर था, और जो हंसन की माँ थी वो बोल रही थी मैंने कुछ भी नहीं किया, और रोए जा रही थी, और सायु अपनी माँ की डेड बॉडी देखने के बाद तो शॉक में और रो रही थी। और उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं आपको केस करना है क्या, ये एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता, सायु बोलती है नहीं ये एक्सीडेंट है, मेरे मॉम को अभी कुछ बीमारी थी, शायद वो गलती से गिर गई होंगी, मुझे किसी ऊपर केस नहीं करना बोल के वो सब कुछ इसे बंद करती है। हंसन जो उसे रोकने की ट्राई कर रहा था वो बोलती है मेरे हाथ पे खून लगा है हंसन तुम जो मत तुम गंदे हो जाओगे बोल के वो चली जाती है। और उसके बाद अब तो इतना ट्रैजिक मोमेंट हो गया, सायु बहुत स्ट्रेस में वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बॉर्डरिंग करती है, और वो बोलती है अब मेरा आखिरी टाइम आ गया मुझे माफ़ कर देना, और उसके बाद वो बोलती है जो मैंने किया था उसके लाइफ में, जो मैंने उसकी लाइफ के साथ इतना कुछ किया था शायद उसका पेबैक यही था, मुझे और मेरी माँ को इस तरह से चुकाना पड़ा। और उसके बाद वो सारा सामान लेके वहाँ से निकल लेती है, और उसके बाद आखिरी बार वो से बोलते हैं मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था और आज भी बहुत प्यार करती हूँ मुझे माफ़ कर देना, हमारी बेटी को अच्छे से रखना बोल के वो एक बहुत बड़े ऊँची जगह से जंप लगा देती है। हंसन अचानक से उसके दिल में बहुत दर्द होता है, उसके बाद उसे कॉल आता है हॉस्पिटल से कि आपकी जो एक्स वाइफ है उसको कैंसर है, ये सुनने के बाद तो वो तो शौक में वो बोलता है क्या, और तभी उसे फिर से कॉल आता है कि सायु ने जंप लगा लिया है। ये सुनने के बाद तो जो सायु थी
उसको याद करके वो शौक में अब हमें दिखाया जाता है जंगल में। हंसन पागल की तरह अपने सर्च टीम को लेके साहिल को सर्च कर रहा था, लेकिन अब किस्मत को कुरहर को जवारी मंजूर था। वो तो पागल हो जाता है, वो पागल की तरह सर्च करता है। जब साहिल मिलती नहीं है तो वो लॉयर के साथ था, वो बोला था उसने ऐसा क्यों किया, वो होती कौन है अकेले सब कुछ डिसाइड करने वाली। और तभी यहाँ पर उसे बोला था, मैं तो उसे शादी के लिए प्रपोज करने के सोच रहा था, हमारी बेटी है और वो क्या अब बेटी को अकेले छोड़ जा सकती है, मुझसे प्यार नहीं करती कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बेटी के लिए तो रहती ना, बोल के वो रोने लग जाता है। पागल की तरह हरकत कर रहा था। उसका लॉयर उसे समझा रहा था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपनी बेटी के लिए स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। वो बोलता है, नहीं मेरी सायू जिंदा है, मुझे पता है, चुपचाप जाके ढूंढो, बोल के सबको ढूंढने के लिए बोलता है। पूरे रात भर ये होता रहता है। और उसके बाद जब सायू मिलती नहीं तो वो बोलता है, मुझे भी नहीं जिंदा रहना, अब मुझे अपनी सायू के पास जाना है, बोल के रो रहा था। तभी उसका लॉयर उसे बोलता है, तुम्हें क्या बेवकूफी कर रही हो, तुम्हारी बेटी है, तुम्हें अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना है। तभी कॉल आता है नीनी का, और वो बोल रही थी, पापा आप घर कब आ रहे हो, इतना लेट हो गया, मुझे खाना खाना था, मुझे नींद आ रही है, जल्दी आओ ना। तभी वो बोलता है, हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ, एक बार मम्मा से बात करूँ, ऐसा वो बोलता है और फ़ोन को रख लेता है। और उसके बाद वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। अब उसे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पता चलने लगी थी। और उसके बाद वो घर के लिए वापस आता है। घर पर जाने के बाद भी उसे बहुत साहिल की याद आ रही थी, वो सब कुछ। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखाया जाता है, साहिल की बिस्तर बना के उसे बहुत बुरी तरह से मारती है और वो बोलती है, तुम उसे टॉर्चर करते थे, तो मुझे परेशान करते थे, तो मुझे इतना हेट करते थे कि वो इतना कुछ भी झेल रही थी, तुम तो चाहते थे ना वो इस दुनिया से गायब हो जाए, अब हो गई, अब तुम खुश हो रहे होगे ना, उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है तुमसे प्यार करने की, ऐसा बोल के वो वहाँ से उसकी चीज़ें देकर चले जाती है। तो अभी हम जब हंसन घर चला जाता है तो वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है उसकी फ्रेंड ने जो बोला हुआ था, साहिब ने जब हंसन के अगेंस्ट गलत गवाही दी अदालत में, उसके बाद ऐसा हुआ कि साहिब खुद ही डिप्रेशन में चली गई। उसे सोने के लिए हर दिन स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत पड़ती थी और वो हर दिन हंसन को याद करती थी, बहुत रोती थी और इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी और उसकी मेडिसिन ज़्यादा ओवरडोज होने की वजह से उसे कैंसर हुआ था। और उसके बाद शायद जो सायु थी वो इतने ज़्यादा सब कुछ झेल नहीं पाए। जब हंसन वापस आया उसे पता चला था, उसे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसे कभी उसको फेस करने की हिम्मत हुई ही नहीं। और उसके बाद उसके फ्रेंड पर से बोल रहे थे, तुमसे उस पगली ने इतना प्यार किया था, उसका कीमत उसे इस तरह से चुकाना पड़ा, अब हो पाए तो उसकी बेटी के साथ तुम अच्छे से रहना, क्योंकि वो तुम्हारी भी बेटी है, तुम दोनों के प्यार के आखिरी निशानी, बोल के वो बोल रही थी। हंसन तो रोते रोते घर पर जाता है और अभी साई को वो इतना मिस करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी आती है, उसकी बेटी आने के बाद उसे अपने आप को संभालना पड़ता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सायु थी वो एक हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे थी, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनसे सायु एक बार तो मिल चुकी थी, वही उनको बचा के लाए थे। और वो बोल रहे थे, मेरी अपनी खुद की बेटी पैदा होने के कुछ सालों में गायब हो गई थी और आज तक आप इस उम्मीद में थे कि वो वापस आएगी, वो तो आई नहीं, शायद भगवान जी ने हमें दूसरी बेटी दे के हमारे ऊपर एहसान किया हुआ है, अब ये मेरी बेटी है, ऐसा वो बोल रहे थे। 2 महीने का समय गुजर जाता है, हंसन अब तक साई को बुला नहीं पाया, इनफैक्ट वो उसे सर्च कर ही रहा था और वो एक अच्छा पापा होने की सारी जिम्मेदारी निभा रहा था, लेकिन वो हर दिन साई को बहुत मिस किया करता था। अब साई को दिखाया जाता है जो अपना एक नया नाम और पहचान के साथ वापस इंडस्ट्री में कम बैक कर चुकी थी। वो एक ऐसी सिंगर थी जिसका फेस किसी ने देखा नहीं था, बस उसका साउंड सुना गया था। तो सोशल मीडिया पर अभी कोई सासा नाम की सिंगर थी जो बहुत फेमस हो रखी थी और हंसन की बेटी नीनी भी उसको फॉलो किया करती थी और वो बोलती थी हंसन को कि इनको इनके सुन के मुझे अपनी मम्मा की याद आती है, अगर मम्मा आज हमारे साथ हो तो ऐसे ही गाना गाती, बोल के वो अपनी मम्मा की बातें करती थी। और हंसन अब उसने साई के अलावा किसी और के बारे में तो सोचा नहीं ना, तो इसीलिए वो कभी भी उसको देखता नहीं था कि ये कौन सी लड़की है, मतलब कौन सी लड़की जो फेमस है। उसे बस ऐसा लगता था मेरी बेटी को कोई ऐसी लड़की मिली हुई है, कोई ऐसी बंदी मिली है जिसकी वजह से वो अपनी मम्मा को याद नहीं कर रहे, तो वो अच्छी बातें सोच के उसने रिजेक्ट ही किया और वो बहुत बिजनेस में
कंसंट्रेट भी हो रहा था, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी क्योंकि बंदा अभी बहुत वर्कहोलिक बन रहा था और उसका पूरा दिमाग सायू की तरफ ही गुस्सा चला जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है सायू और उसके एडॉप्टिव फैमिली जो थी उसके साथ काफ़ी खुश थी, मतलब ऐसे हंसती खेलती नहीं रहती थी, लेकिन हाँ उसने अब लाइफ में मूव ऑन करना सीख लिया था। वो अपने बेटी को बहुत मिस करती थी और इनफैक्ट वो हानसेन को भी बहुत मिस करती थी, लेकिन उसे कभी हिम्मत हुई नहीं हानसेन के पास वापस जाने की। उसे ऐसा लगता था उसकी फैमिली के साथ जो हुआ, उसके पापा को मेरे पापा ने मारा, वो इन रिटर्न मेरी मॉम की मौत हो चुकी है, तो अब इक्वल उसे ऐसा लगता था सकता बराबर, तो अब इसके अलावा मैं कुछ और लॉस नहीं कर सकती और मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। ऐसा उसने अपने भाई को भी बोला हुआ था कि मुझे अब अपने एक्स के पास बिल्कुल भी नहीं जाना, मुझे लाइफ में मूव ऑन करना है, उन दोनों को मूव ऑन करने देना है, ऐसा उसने बोला हुआ था। और ऐसा होता है कुछ समय बाद हानसेन एक मीटिंग के लिए गया हुआ था तो वो सायू को देख लेता है, सायू के पीछे पीछे चला जाता है एक अपार्टमेंट पे जहाँ पर कोई और लड़की थी और हानसेन को लगा गलतफहमी होगी, लेकिन उसने तो सायू को ही देखा था तो ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में पता चला सायू उस अपार्टमेंट में गई थी, उसके बाद उसने अपने दोस्त को बाहर भेज दिया था और कोई और बना के। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब सायू बाहर आती है तो उसकी फिर जो बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब पुरानी वाली बेस्ट फ्रेंड, वो तो उसे देख लेती है, उसे जोर से गले लगाती है और वो बहुत खुश थी कि वो जिंदा थी। और उसकी बेस्ट फ्रेंड ये बोलते हैं कि हानसेन सही बोला था, तुम नहीं मर सकती, तुम सही सलामत हो, तुम जिंदा हो, बल्कि उसे गले लगा कर जप्पी पप्पी दे रही थी। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम अपनी बेटी और हानसेन के पास वापस क्यों नहीं आई। सायू बोलती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं किस मुँह लेके जाऊंगी, तुम सोचो ना, हानसेन की लाइफ ऑलरेडी तबाह हो चुकी है और जो उसने किया, जो उसका मेरा सब कुछ था ना, वो सेटल हो चुका है, तो अब नए गड़े मुर्दे उखाड़ने से अच्छा है जो चल रहा है ऐसे चलने दे, मेरे लिए पनिशमेंट यही होगी कि मुझे हानसेन और अपनी बेटी नीनी से दूर ही रहना है, ऐसा वो बोलती है। लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड इस बात के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि उसने देखा हुआ था नीनी की आंखों में अपनी माँ के लिए प्यार, और बोलते हैं ना भले ही पापा जितना भी प्यार करें लेकिन माँ तो माँ होती है और माँ वाला गैप कभी पापा फील कर नहीं सकते, तो उसे कन्विंस कर लेती है कि वो नीनी से मिल ले और नीनी से अभी हमारी बंदी मिल लेती है। और उसके बाद नीनी तो बहुत खुश थी, वो बोल रही थी आप घर वापस नहीं आ रहे हो क्या मम्मा, तभी तो हमारी सायू थी, वो बोलते नहीं बेटा मैं नहीं आ रही हूँ और आपको पापा को बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको मिलने आ रही हूँ। और उसे प्रॉमिस लेती है ना बताए वरना वो उससे मिलना बंद करेगी। तो अभी जो बच्ची थी नीनी वो अपने माँ से अलग होने के गम में डर में ये नहीं बताती हानसेन को क्यों किसी से मिल रही है, और अभी वो बिजनेस में इतना ज़्यादा बिजी था और इसीलिए वो अपनी बेटी को इतना ज़्यादा पूछ नहीं पाता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन अभी नीनी बहुत हो गया, वो सोचती है उसे मम्मा के पास वापस जाना है, हाँ उसे अच्छी फैमिली चाहिए, कंप्लीट फैमिली चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं है और वो मम्मा को बहुत मिस करती है। तो एक दिन रात को वो बोलती है मुझे एक बात करनी है पापा, और उसके बाद वो बोलती है मुझे मम्मा के पास वापस जाना है, मम्मा बहुत अच्छी है, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे मम्मा के साथ रहना है, बोल के वो रो रही होती है। तो हानसेन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, और उसके बाद वो रोते रोते बोल देती है कि मम्मा जिंदा है, मम्मा वापस आ चुकी है, लेकिन वो आपके पास वापस आना नहीं चाहती। और उसके बाद जब उसकी बेटी वॉशरूम गई हुई होती है तो वो फ़ोन पे अभी जो सासा था उस सासा थी उस मतलब ऑब्वियसली सायू उसका नंबर ऐसे उसमें मैसेज करता है, तो कंटिन्यूसली उसे कंटिन्यू मैसेज किए जा रही थी और वो ऐसे मैसेज पठाती है। और ये सब देख के तो हानसेन को और ज़्यादा रोना आ जाता है, उसे ऐसा फील हो रहा था शायद सायू उसे अपने काबिल नहीं समझती, ऐसा वो क्यों कर रही, अगर वो जिंदा थी वो सही सलामत थी तो वापस क्यों नहीं आई, बेचारा इतने महीने से वो देवदास बन के बैठा हुआ है, लेकिन सायू वापस ना आकर वो बस बेटी से मिल रही थी, उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था सायू उसे अपने आप से पराया कर रही है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था, उसे कुछ इस बात का था कि उसकी जो सायू है वो जिंदा है। उसके बाद वो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में जाता है और उसके बाद वो फेक इन्वेस्टर को रेडी करता है, और उसके बाद सायू क्योंकि वो सासा बन के अभी इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी कमा चुकी थी इसीलिए वो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भेजता है म्यूजिक कंपनी के साथ। और अभी सासा वो तो सोचती है अच्छा चांस मिल रहा है तो क्यों नहीं, इसीलिए वो ऐसे उन लोगों को कॉल बैक करती है। और अभी हानसेन उससे मतलब वो होता है ना कॉल बैक, वो फ़ोन उससे उठाया नहीं जा रहा था, वो बस मैसेज करता है कि अभी अप्रोप्रिएट नहीं है कॉल करने के लिए। और उसके बाद फिर से सासा
मतलब जायु कॉल करके बोलती है, मैंने एक अपार्टमेंट लिया हुआ है, वहाँ पर मैं शिफ्ट होने वाली हूँ, तो इसीलिए वहाँ से जल्दी जल्दी करके उस अपार्टमेंट का ओनर बन जाता है, मतलब पूरा अपार्टमेंट ही खरीद लेता है। और उसके बाद सासा को यानी कि सायु को ये बताया जाता है कि आपको ओनर से मिलना पड़ेगा। और उसके बाद सायु ओनर से मिलने के लिए उसके फ्लैट की तरफ जाती है और वो ऐसे बोल रही थी, मेरा नाम सासा है, मैं यहाँ पर आज ही शिफ्ट हुई हूँ, मुझे बोला गया था कि ओनर से मिलना है, आज उसे अपने पास खिसता है और उसके बाद उसे पैशनेटली किस करने लगता है। सायु तो शौक में आ जाती है, बाद में उसे समझ में आ जाता है कि वो पकड़ी गई, मतलब दोबारा वो पकड़ी गई, उसे एक तमाचा लगाती है और उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें सब कुछ पता था ना। ये सुनने के बाद हांसन उसे देखता है और बोलता है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तुम सही सलामत। सायु बोलती है, क्या बदतमीजी है। तभी हांसन बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया, तुम ठीक थे ना, तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो बोलती है, अभी बेटर है। वो उसे बोलता है, तुम वापस क्यों आई हो, तुम हमारे लिए वापस आई हो ना, मेरे लिए। तभी सायु बोलती कि नहीं, मैं बस अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कस्टडी नहीं लूँगी, मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी, मुझे पता है मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर एक आखिरी ऐसा नहीं रहेगा, शायद एक कंपनसेशन का आखिरी लिमिट, और उसके बाद वो जाने वाली थी। उसे रोकता है और वो बोलता है, क्या तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। उसके बाद सायु बोलती है, नहीं, हमारे बीच में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो उसे ऐसे हक करता है और वो बोलता है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ पॉसिबल होगा, प्लीज़ तुम हमारे साथ रहो ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमसे प्यार करने की कीमत मुझे किस तरह से चुकानी पड़ेगी, जो बार बार तुम मुझे हर्ट करके जा रहे हो। तभी सायु उसे बोलते हैं कि बोलो मत, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ तबाह हुई है, मेरी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा, तुम्हारा नाम खराब हो गया, तुम्हारे पापा की तो मेरे पापा की वजह से, और अभी तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहने लायक हूँ। तभी हांसन बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक नंबर का गधा हूँ जो तुम्हें कभी भुला नहीं पाया, एक नंबर का कमीना इंसान हूँ, घटिया इंसान हूँ, मुझे तुमसे नफरत करना चाहिए था ना, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं एक नंबर का निकम्मा इंसान हूँ, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, हमारी बेटी है। और तभी सायु से बोलती है, नहीं, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, और वो जाने वाली थी। हंसन उसे बोलता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो सायु, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं दोबारा तुम्हें नहीं खो सकता। तभी उसे बोलती है, एक बात बोलूँगी, अगर वो तुम कर पाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए वापस आ जाऊँगी। हंसन बोलता है, हाँ बोलो सायु, क्या है। तभी वो उसे बोलते कि मेरी मरी हुई माँ वापस ला सकते हो। तभी अब वो तो नहीं हो सकता ना, और वो मतलब अनजाने में सही, लेकिन उसकी माँ की वजह से हुआ था। हांसन कुछ बोल नहीं पाता। सायु बोलते हैं, एग्जैक्टली, जब तुम मेरी माँ को वापस नहीं ला सकते ना, तो हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, तो ये मत सोचो कि टूटा हुआ रिश्ता वापस जुड़ेगा, हर किस नहीं बोल के जाने वाले होते हैं। और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है सायु का एडॉप्टेड ब्रदर हान, वो अभी हांसन को बहुत जोर से मारता है और वो बोलता है, मेरी बहन से दूर रहो, वो पुरानी वाली सायु नहीं है, इसका नाम बदल गया है, तो इसको अभी इसका प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बहुत सारे लोग हैं। और तभी उसे ऐसे पैर पे पकड़ के बोलता है, मुझे सायु के साथ बात करनी है, सायु के साथ मुझे रहना है, प्लीज़ इस तरह से सायु को मुझे दूर मत ले जाओ, सायु प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा, हमारी बच्ची के लिए प्लीज़ वापस आ जाओ, बोल के रोने लग जाता है। तभी वो जो हान था उसे कुत्तों की तरह पिटता है। और तभी सायु बोलते हैं, मुझे इससे बात करनी है। और उसके बाद वो बोलती है, मेरी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ तबाह हो गई, और इन रिटर्न मुझे भी बहुत कुछ गंवाना पड़ा, और मैं आखिरी चीज़, मेरी लाइफ की आखिरी चीज़, मेरी बेटी को भी तुम्हें दे चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता इसके ज़्यादा, इसके अलावा कुछ और मैं तुम्हारे लिए कंपेंसेट कर पाऊँ, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं हो सकती, हम दोनों के इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा वो बोल के वो वहाँ से अपने भाई हान के साथ चली जाती है। और उसके बाद वापस भागते हुए असिस्टेंट आता है हांसन के पास, जब वो ऑफिस पे था, वो बोलता है सायु जिंदा है। तभी हांसन कुड़ के बोलता है, अच्छा अब पता चला। तभी वो बोलता है कि तो बॉस क्या करना है मुझे बताओ। तभी हांसन बोलता है कि कुछ नहीं, बस उसको 1.5 बिलियन मुझे पे करने थे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, लॉयर के थ्रू उसे लेटर भेजवाओ कि अभी मुझे 3 बिलियन पे करना पड़ेगा। तभी असिस्टेंट बोलता है, बॉस ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा, आपने उसे माफ़ कर दिया था। तभी हांसन बोलता है, किसने बोला मैंने माफ़ कर दिया था, मैं तो बिजनेसमैन हूँ और मैं लॉस वाले डील कभी भी नहीं करता,
उसे भेजो 1 लीटर जिसपे 3 ब्लेड उसे पे करना पड़ेगा। और उसके बाद सायु अपने सामान लेके वापस जाने के लिए रेडी हो रही थी, उसे बुलाया जाता है रिसेप्शन पे, बोला जाता है कि लॉर्ड का 1 लेटर आया है। और उसके बाद सायु ऐसे वो लेटर देखती है, उसके बाद वो तो शौक में आ जाती है और उसके बाद उसके मन में हंसन के लिए भर भर के गालियां आने लगती है। मतलब एक नंबर का झूठा कमीना इंसान, एक टाइम पे बोला था मैंने तुम्हें माफ कर दिया और अभी वो उसे इस तरह से पैसे भरने के लिए बोल रहा है, उसे तो बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो सीधा हंसन के ऑफिस के लिए निकल लेती है। अब हमें दिखाया जाता है सायु जाती है ऑफिस पे और वो बोलती है ये क्या बदतमीजी, तुमने तो बोला था 1.5 बिलियन माफ करी और अब क्यों बेच रहे हो। ये सुनने के बाद हंसन बोला था हाँ मैंने माफ कर दिया था लेकिन तुमने तो मेरी बात सुनी नहीं, अब तुम्हें मुझे पे करने पड़ेंगे या फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, तुम्हें मेरी कंपनी के लिए गाने गाने पड़ेंगे, ढेर सारे गाने, और एटलीस्ट हाँ मुझे लगता है 8 से 10 साल में तुम कंपनसेट कर पाओगी। तभी वो उससे बोलती है तुम एक नंबर का घटिया इंसान हो, वो बोलता है हाँ पर तुम्हारे प्यार में सीधा सीधा जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और मैं वही कर रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद सायु को सच्ची में कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी पड़ती है, वो वहाँ से चली गई। और उसके बाद जो असिस्टेंट था वो भाग के आता है और बोलता है बस मुझे कुछ मिला है, जिस दिन सायु की मॉम की मौत हुई थी उस दिन पे वहाँ पर पीना भी थी, पीना मतलब अभी जिनसेन जो हंसेन था उसकी फियांसी। और उसके बाद बोलते कि क्या, और उसके बाद वो बोलता है कि वो उस जगह पे क्या कर रही थी। और पता लगाने पर इन लोगों को ये पता चला कि जो बीना थी वो तो वहीं पर थी और शायद वो इन्वॉल्व थी, और अभी सायु को भी इसके बारे में पता चल गया। और अभी हंसन उसे प्रॉमिस करता है कि वो सच जरूर पता लगाएगा तो जो फिंग था फिंग और पीना दोनों को उठवाया जाता है, फिंग पीना का बड़ा भाई था। और उसके बाद इनसे सच उगलवाया जाता है और जो जहर उगलती है पीना वो तो अलग ही लेवल का था हमारी सायु के लिए। और उसके बाद वो बोलती है इसकी वजह से इतना कुछ हो गया तो मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। ये सुन के तो सायु को बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत जोर से तमाचा लगाती है। एंड उसके बाद इन दोनों को जेल पे भेजा जाता है और जिस मतलब जिस रीजन की वजह से आंटी प्रोबोको के आंटी से गलती से वो धक्का लग गया था वो रीजन तो अपीना थी, अब उनको तो उनकी गलती की सजा मिल चुका था। अब हमें दिखाया जाता है सायु जाने वाली थी और वो हंसन को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उसे गलत समझा। वो बोलता है तुम्हारे मेरी लाइफ में ये सब कुछ चलता रहेगा, कभी तुम मुझे गलत समझोगी कभी मैं तुम्हें गलत समझूंगा, तो मैंने सोचा है कि उन्हें हम कंपेंसेट करें साथ में रहना स्टार्ट करने। बोलती उसे किस करने वाला था, उसे बोलती बदतमीज इंसान मैंने कभी हाँ नहीं बोला है ठीक है ना। वो उसे बोलता है क्या तुम अभी भी मुझे माफ़ नहीं कर रहे हो। वो बोलती है ऐसी बात नहीं है पर मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। तभी वो बोलता है कि क्यों हमारी बेटी है, ऐसे मत बोलो कि बेटी भी ऐसे ही आ गई थी। वो उसे बोलते हैं कि नहीं फिर भी। और तभी वहाँ पर जो सायु थे उसके एडोप्टेड फादर और एडोप्टेड ब्रदर मतलब खान और उसके पापा आते हैं और उसके बाद सायु को बोलते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। और उस टाइम पर वहाँ पर कुछ सामान थे और सामान देखने के बाद वो शौक में एक डॉल था जो सायु के साथ पे हमेशा रहा करता था बचपन से ही। वो बोलते कि बेटा ये डॉल तुम्हारे पास क्या कर रहा है, वो तो मेरी बेटी जब हो गई थी उस टाइम पे उसके साथ था। सायु बोलते कि मेरी माँ ने बोला था जब मैं ऐसे ढेर सारे जोर से बारिश हो रही थी उस जगह पे मिली थी तो ये डॉल मेरे साथ था। ये सुनने के बाद अंकल जी तो शौक में क्योंकि वो उनकी असली वाली बेटी थी वो बहुत खुश हो जाते हैं। सायु को फाइनली उसकी असली फैमिली मिली। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो सायु थी वो ऐसे टेंशन में थी क्योंकि उसे डर लग रहा था उसके पापा और उसके भाई अभी हंसन को एक्सेप्ट ना करे। पापा बोलते हैं नहीं नहीं बेटा मैं बस उसके सामने अखड़ू बनने का ड्रामा कर रहा था, वरना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम दोनों की रिलेशनशिप में, ऐसा हो बोलते हैं। सायु स्माइल करती है और उसके बाद दिखाया जाता है हंसन अपने ऑफिस में बेहोश हो गया था। सायु की बेटी नीनी है कि आके अपनी मम्मा को कॉल करती है, बोलती कि पापा बेहोश हो गए जल्दी आओ। और उसके बाद हॉस्पिटल पे जब सायु आती है तो असिस्टेंट बोलता है जब आप उसे छोड़ के चली गई उसके बाद वो ढंग से सो नहीं पाया और उससे बहुत सारे पिल्स ले लिए थे, उसको सोने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी और जेल पे जब था उस टाइम पर भी उसने बहुत सारे मेडिसिन लिए हुए थे तो शायद उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। शायद वो अभी अगर सही वक्त ना है अभी भी वक्त है, अगर वक्त सही ना रहा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। सुनने के बाद सायु तो टेंशन में आ जाती है और उसके बाद वो अंदर रूम में चल जाती है जहाँ पर हंसन सो रहा था। और उसके बाद जो नीनी थी वो बोल रही थी मम्मा मम्मा मेरी बात सुनो पापा
तो बहुत टेंशन में है, पापा बहुत बीमार है, वो मर जाएंगे क्या? तभी बोलती है, नहीं बेटा ऐसा किसने बोला? तभी बेटी बोलती है नीनी की, अभी डॉक्टर वही बोल रहे थे पापा आपको बहुत मिस करते हैं और आप पापा के साथ रहने नहीं आए हो ना, तो अब पापा जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो तो डिप्रेशन में मरने वाले हैं और मैं पापा को बोलना नहीं चाहती, आप भी हमारे साथ नहीं रह रहे हो, ये सुनने की बात। तभी साहिब बोलते हैं, नहीं बेटा मैं आप लोगों के साथ रह रही हूँ। तभी वो बोलते कि क्या आपने पापा को माफ़ कर दिया? तभी साहिब बोलते कि हाँ मैं आपके पापा से कभी नाराज थी ही नहीं ना, मैं आपके पापा को बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे सुनने के बाद नीनी बोलती है, पापा पापा उठो, मम्मा ने माफ़ कर दिया, आप मम्मा हमारे साथ रहेंगे। ऐसे सुनने के बाद वो बोलती कि अच्छा तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। और उसके बाद हंसन स्माइल करता है और नीनी भी स्माइल करती है नीनी। और उसके बाद हंसन साहिब अपने पास खींचता है और वो बोलता है, बेबी मैं सच्ची में बीमार हूँ लेकिन तुम्हारे प्यार में, अगर तुम्हारा साथ मिलेगा ना तो मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद जो नीनी थी वो बाहर आती है और वो असिस्टेंट अंकल के साथ ऐसे हैप्पी होने वाला मोमेंट करती है, मतलब वो चेयर्स करती है। और इस तरह से हमारा स्टोरी ख़त्म। उम्मीद है ये स्टोरी पसंद आया होगा। आई नो रोलर कोस्टर था इमोशन का, मतलब मैंने बहुत टाइम के बाद कोई इमोशनल स्टोरी देखा हुआ है जहाँ पर मैं खुद रो रही थी। उम्मीद है आप लोगों को भी इतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे पसंद आया है। तो ड्रामा ख़त्म हो गया, मुझे कमेंट पे बताओ कैसा लगा ड्रामा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को भी थोड़ा जाने से पहले लाइक करके जाओ, कमेंट में बता के जाओ, क्योंकि जितना आप लोग लाइक और कमेंट करते हो उतना ही मेरे वीडियो को YouTube ज़्यादा पोस्ट करेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, जाने से पहले ये भी जरूर बताना कि किस तरह के कैटेगरी का ड्रामा देखना आप लोगों को पसंद है, मैं उसी तरह की स्टोरी को उठाना स्टार्ट करूँगी।